हम ये सोचते हैं कि क्या नेचर ने हमारा जो चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है, क्या नेचर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ बनाई हैं? तो आंसर है हाँ, नेचर ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई हैं। भगवान ने विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाई हुई हैं और वो हमारे चारों तरफ रहती हैं। बस विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसी को हम सेंस कर पाते हैं और किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम सेंस नहीं कर पाते हैं, बस इतना सा ही फर्क होता है। हमने जैसे जैसे उनको सेंस करते गए, हम उनका नाम रखते चले गए समय समय पर। तो पहले जब इनकी खोज होती थी तो हमें ये पता नहीं था कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, पर जिस वेव का जब आविष्कार हुआ उस समय जिसने भी उसका आविष्कार किया उसका एक नाम उन्होंने रख दिया था और उस नाम के आधार पर ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की आज स्टडी करेंगे। तो देखो कितना अजीब है ना कि सबसे पहले हम इस नेचर में उनके प्रभाव के आधार पर, उनके इफेक्ट्स के आधार पर जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग हमको मिलती थी उसका उसी समय एक नाम रख दिया जाता था। पर जब उसका नाम रखा गया, उसका आविष्कार हुआ, उस समय हमको ये मालूम नहीं था कि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। बाद में हमको पता चला कि जिसका नाम हम ये रख चुके हैं, ये सब में कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और ये कॉमन प्रॉपर्टीज वही कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होती हैं। तो कई रेडिएशंस, कई वेव्स तो ऐसी थी जिनका इन्वेंशन, जिनकी खोज पहले हो चुकी थी, फिर बाद में हमने उसको ये देखा कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग की परिवार में आएंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फैमिली में आएंगे। तो इस तरह से उनका नाम रखते चले गए और बाद में पता चला कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी आप स्टडी करेंगे उनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी है। वैसे और भी प्रॉपर्टीज कॉमन हो सकती हैं लेकिन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कॉमन है, एक प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी क्या है? उनकी वेलोसिटी, उनकी स्पीड। आप जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे पढ़ेंगे सबके नाम अलग अलग होंगे, सबका बाकी चीज अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप देखने जाएंगे सो देयर इज वन प्रॉपर्टी विच इज सेम फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर विद्युत चुंबकीय तरंग का एक गुण ऐसा होगा जो सबके लिए सेम है और वो होगी स्पीड। तो आप विद्युत चुंबकीय तरंगों के कितने भी पार्ट बना लो, कितने भी नाम अलग अलग आप पढ़ लो, लेकिन उन सभी में सबकी स्पीड कैसी रहा करेगी? सेम। ये एक कॉमन प्रॉपर्टी उनकी होगी। ऐसा ही साइंटिस्ट लोगों ने उनको इन्वेंट कर करके समय के आधार पर जैसे उनकी खोज होती चली गई, हम उनका खोज कर करके ना एक उनका टेबल बना लिया टोटल। अब क्योंकि ये वेव्स हैं और वेव्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे उनकी आवृत्ति का रेंज क्या है, आवृत्ति किसी भी वेव को लेंगे तो उसकी आवृत्ति शुरुआत कहां से हो रही है और वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी है, ये हमको स्टडी करना है। उनका वेवलेंथ भी, वेव की एक प्रॉपर्टी होती है तरंग दैर्ध्य, तो हमको तरंग दैर्ध्य भी स्टडी करनी है। ऐसा कर करके विद्युत चुंबकीय तरंगों में हमने स्टडी क्या क्या करनी है, 5-6 चीजें हमको पढ़ाई करनी है। देखो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी इन्वेंट हुई हैं या जो खोज की गई हैं समय के आधार पर, उनके पहली बात तो नाम क्या है, जब उनका आविष्कार किया गया उसी समय उनको आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट ने उनका एक नाम रखा है, तो वो नाम हम स्टडी करेंगे कि किस नाम से हम उसको जानते हैं। जो नाम उस वेव का रखा गया उस वेव का आवृत्ति का रेंज कितना है, मिनिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां तक उनकी रहती है, उसके नीचे वो वेव नहीं होगी, उस फ्रीक्वेंसी रेंज से ऊपर भी वो वेव नहीं होगी, दूसरी आएगी कोई, पर हर वेव का अपना एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का रेंज है कि उस रेंज की फ्रीक्वेंसी केवल उसी विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जानी जाएगी।
उनका एक वेवलेंथ की रेंज रहेगी कि तरंग दर्द भी उनकी एक निश्चित होगी, तरंग दर्द का भी एक रेंज रहेगा। तो हम सबसे पहले नेम ऑफ वेव पढ़ा करेंगे, इसके बाद फ्रीक्वेंसी का रेंज देखेंगे कि जो नाम आपने लिया है उसका आवृत्ति का परिसर क्या है, मिनिमम से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहां तक है, वेवलेंथ का रेंज पढ़ेंगे, तरंग दर्द का परिसर कि मिनिमम से मैक्सिमम तरंग दर्द कहां तक उनकी हो सकती है। तीसरा चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे सोर्स क्या है, मतलब ये जो वेव्स आप पढ़ रहे हैं इनका सोर्स क्या है, कहां से ये बनती हैं, स्रोत क्या है, कैसे ये उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे अभी पढ़ेंगे तब बताएंगे सोर्स। के बाद डिटेक्शन, डिटेक्शन का मतलब होता है संसूचन, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हमारी बॉडी में नेचर ने बहुत सारे सेंसर दिए हुए हैं, 5 सेंसर्स हमारी बॉडी में नेचर ने हमको दिए हैं, लेकिन कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी हैं जिन्हें आप अपने वो 5 सेंसर्स भी यूज करके पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सेंस नहीं कर सकते आप। ऐसी सिचुएशन पर हमारे इस एटमॉस्फेयर में वो वाली विद्युत चुंबकीय तरंग है कि नहीं है, इसको पहचानने के लिए हमको एक डिटेक्टर की जरूरत पड़ेगी जो हमको बताए कि ये वाली वेव आपके इस एटमॉस्फेयर में है और ये वाली वेव आपके इस एटमॉस्फेयर में नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं डिटेक्टर का आपको, कि कहीं पर भी जैसे अगर लाइट जलती है कहीं पर, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, नोज, टंग, स्किन और ईयर, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी पे। अब अगर कहीं पर लाइट जली हुई है, प्रकाश आया है, रोशनी हुई है, तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स में हम कौन सा सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करेंगे जो लाइट को पहचान सकेगा, आंसर है आईज का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारी आईज को बड़े अच्छे से कॉटन वगैरह लगा के सब बंद कर दिया जाए, एक पट्टी बांध दी जाए और फिर लाइट जलाई जाए, तो उसके बाद भी अभी भी हमारे 4 सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 4 सेंस ऑर्गन्स में किसी भी सेंस ऑर्गन की इतनी पावर है या इतना सेंसिटिव है जो लाइट को समझ सके, नहीं है। आपके कान, आंखें बंद हैं, कान तो खुले हैं, लेकिन क्या लाइट को आपके कान पहचान जाएंगे, नहीं पहचान सकते। आपकी आंखें बंद हैं पर आपकी स्किन तो खुली हुई है, तो क्या आप स्किन से लाइट को पहचान सकते हैं, आंसर इज नो। आपकी टंग फ्री है, आपकी नोज फ्री है, तो लाइट को पहचानने के लिए हमारी बॉडी में केवल एक ही सेंस ऑर्गन है और वो है आईज। आईज को भी अगर हम बंद कर लेंगे, वी कांट रिकॉग्नाइज दैट देयर इज लाइट और नॉट, प्रकाश है कि नहीं है हम नहीं पहचान सकते। ऐसे ही कहीं पर हमने एक पत्थर का टुकड़ा या एक लोहे का गुटका गर्म करके रखा हुआ है, गर्म करके, और हमने आपको बोला, ये गुटका हमने आपको दिखाया और बोला कि इसको देखो और बताओ ये गर्म है कि नहीं है, छूना नहीं है आपको, इसे गर्म है कि नहीं, केवल आंखों से देख के बताओ, तो आप बता सकते हो क्या, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर ये गर्म होगा तो इसमें से हीट रेडिएशन निकल रहा होगा, और हीट रेडिएशन को समझने के लिए हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन है वो केवल और केवल स्किन है, आंखों से देख के नहीं पहचान पाएंगे कि कोई चीज हॉट है, कोई चीज कूल है, हम नहीं जान सकते। आपके कान भी खुले हैं तो क्या कान से आप जान जाएंगे कि ये चीज गर्म है? आपकी नाक तो खुली हुई है, नाक से आप नहीं जान सकते, आपकी टंग से आप नहीं समझ सकते। हाँ, अगर आप उसको टच करोगे या उसके पास अपनी स्किन को ले जाओगे फिर कुछ गरम गरम लगेगा, हम पहचान जाएंगे कि ये कैसा है, गरम है। तो ऐसे ही अगर हमारे यहां पर कोई रेडियो वेव्स आ रही हैं तो हमारी बॉडी उसको नहीं पहचान सकती। वी हैव नो सच टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन विच कैन रिकॉग्नाइज रेडियो वेव्स,
हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है, पर उनमें से कोई सेंस ऑर्गन इतना सेंसिटिव नहीं है कि वो रेडियो वेव्स को पहचान सके। फिर कौन पहचान लेता है? आंसर है आपका मोबाइल फोन पहचान लेता है तुरंत। देखो रेडियो वेव कमरे में आई, हमें पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, पर एक चीज है जिसको पता चला, कौन है वो? मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन को पता चलता है और जैसे ही कोई रेडियो वेव मोबाइल फोन में एंटर करती है उसकी बेल बजना शुरू हो जाती है, आपको पता लग जाता है कि रेडियो वेव आई। लेकिन क्या स्किन ने पहचाना? नहीं। क्या हमारी आईज ने पहचाना? नहीं। हमारे पास जितने भी सेंस ऑर्गन है हम यूज नहीं कर सकते उनको, क्योंकि उनमें इतनी सेंसिटिविटी नहीं है। इस तरीके से ये डिटेक्टर होता है। तो डिटेक्टर क्या होता है अभी आप समझ रहे हैं, जो किसी चीज को पहचान जाए, उसको समझ जाए। तो हम डिटेक्शन पढ़ेंगे कि किसी भी वेव का डिटेक्शन हम कैसे करते हैं, हम कैसे जानेंगे कि यहां पर ये वाली वेव है, ये वाली वेव आई हुई है, ये वाली वेव आई हुई है, हम कैसे समझेंगे। तो उसके लिए हमको एक डिटेक्टर चाहिए। डिटेक्शन के बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट। एप्लीकेशन मतलब उसका अनुप्रयोग, एप्लीकेशन का मतलब उसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि अगर ये वेव नेचर ने बनाई हुई है। देखिए मैं आपको बताऊं कि नेचर के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज, नेचर के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज कभी वेस्ट नहीं होती, उसका हमेशा इस जिंदगी में कोई ना कोई यूज है ही। इसलिए अगर नेचर ने इतनी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई है, सो दे आर नॉट यूजलेस, वो बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं उनका यूज होगा। ये हो सकता है कि उनका यूज कहां होगा, कैसे होगा, हम ना जानते हो, पर नेचर ने इस दुनिया में जो कुछ भी बनाया हुआ है, ईश्वर ने, गॉड ने, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने जो कुछ बनाया हुआ है ना इस दुनिया में, वो चीज बेकार नहीं है, उसका कहीं ना कहीं हम यूज कर ही लेते हैं। हाँ ये हो सकता है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हम उसका अच्छा यूज कर रहे हैं या हम उसका यूज बुरे तरीके से कर रहे हैं। तो यूज में सब आता है, यूज अच्छा है या बुरा, यूज करके उससे हम बैड इफेक्ट ले सकते हैं या हम उससे गुड इफेक्ट ले सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन अस, ये सब कुछ हम पे डिपेंड करता है। बाकी नेचर ने जितनी चीजें बनाई हैं, आप याद रखिए इस दुनिया में एक छोटी से छोटी चीज भी उसने बनाई है ना, तो उसका भी इस नेचर में कोई ना कोई यूज है। तो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे लास्ट में कि आखिरकार अगर ये वेव बनी है, नेचर ने हमारे लिए बनाई है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दिस वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो वी हैव टू स्टडी, देयर आर 6 पॉइंट्स जो कि हम लगातार एक एक करके पढ़ाई करते चले जाएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं बताऊं, यहां पर जब आप देखेंगे ये रेडिएशंस के नाम लिखे हुए हैं और ये फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ, ये वो सब लिखा हुआ है। इसमें से एक कोई भी रेडिएशन आप लेते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी 5 × 10^20 से लेकर के 3 × 10^19 तक गया। हमने, आप जब इस पर देखोगे ना, आपको एक लगेगा कि गामा अगर रेज हैं तो उनका यहां से फ्रीक्वेंसी रेंज स्टार्ट होगा और यहां जाके खत्म हो जाएगा, इसके बाद गामा रेज नहीं होंगी, इसके पहले भी गामा रेज नहीं है। पर मैं एक चीज आपको बताऊं, ये सब बनाया किसने? हमने नहीं बनाया है, ये सब बनाया किसने है? नेचर ने बनाया है। और नेचर ने, और नाम किसने बनाए हैं? नाम तो हम लोगों ने बनाए हैं, किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, तो नाम हम लोगों ने बनाए हैं, पर उसका ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टीज भरी है उस पे, उसका बाकी जो चीज बनाई है वो किसने बनाई है? नेचर ने। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहां से स्टार्ट होके यहां पे खत्म, इससे पहले नहीं है, इससे बाद में नहीं है, ऐसा नहीं है। नेचर ने किसी भी वेव के बीच में कोई पाला नहीं बनाया है, उसने कोई पाला नहीं बनाया, उसने तो वेव्स बनाई है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि बस यहां से यहां तक का रेंज गामा रेज का रहेगा, इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक एक्स रेज रहेंगी, फिर एक्स के बाद अल्ट्रावायलेट आएंगी, उसने कोई पाला नहीं बनाया। जैसे नेचर ने सिर्फ अर्थ बनाई, प्रकृति ने, ईश्वर ने सिर्फ क्या बनाया? अर्थ बनाई। अब अर्थ पे ना हम लोग आ गए और
ये खराबी हम लोगों ने पैदा कर दी, अर्थ पे हमने यहाँ एक पाला बना दिया और हमने बोला कि देखो भाई ये पाला है, इसके इधर इंडिया है और इसके इधर पाकिस्तान है, तो ये पाला हमने बनाया है। ये जो पर्टिंग लाइन बनाई है ये इसरो ने नहीं बनाई, ये नेचर ने नहीं बनाई है, ये हमने बनाई हुई है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं, नेचर ने सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सी वेव कहां से स्टार्ट होगी कहां खत्म होगी वो हमने बनाया है। इसलिए ये रेंज जब आप देखोगे तो रेंज तो बताया जाएगा, पर इस रेंज में थोड़ा सा प्लस माइनस अगर हो जाता है तो आप उससे परेशान मत होइएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि रेंज किसने बनाई है हमने, पर नेचर ने इसमें कोई ऐसी पार्टिंग लाइन नहीं डाली है कि नहीं यहीं से यहां तक केवल गामा रेज आएंगे। तो हमारे द्वारा बनाई गई चीजों में थोड़ा सा प्लस या थोड़ा माइनस हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है उसकी वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। शायद आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा हुआ है या अभी आपने पढ़ा है, प्रकाश की चाल का एक सूत्र पढ़ा गया है, C बराबर न्यू इंटू लैम्डा, और जितनी स्पीड में लाइट चलती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड होती है। तो अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, किसी भी वेव की आवृत्ति और उसकी तरंग दैर्ध्य का अगर आप गुणा कर देंगे तो उससे उसकी क्या मिल जाएगी, चाल मिल जाएगी। और चाल मैंने अभी बताया कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज, उनका डिटेक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज ऐसी है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सब में क्या है, कॉमन है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, उनकी स्पीड। तो इनमें से जितनी भी वेव्स है ना, उनमें से किसी भी वेव का आप न्यू लीजिए फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेव का आप लैम्डा लीजिए वेवलेंथ, और दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, देन यू विल गेट द स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड यू नो दैट द स्पीड ऑफ एच एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज सेम एंड इट इज इक्वल टू 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि जब भी आप न्यू और लैम्डा को मल्टीप्लाई करोगे ना, हमेशा क्या मिलेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। और विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल कितनी होती है, 3×10⁸। तो इस तरह से अगर आप सोचते हैं ना, तो ऐसी सिचुएशन पे मैं एक चीज आपको बताऊं बड़ी अच्छी, अगर आप न्यू का और लैम्डा दोनों का रेंज नहीं याद करना चाहते हैं तो इन दोनों में किसी एक का रेंज याद कर लो बस। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी का रेंज याद कर लिया, अगर आपने फ्रीक्वेंसी का रेंज याद कर लिया तो स्पीड ऑफ लाइट तो आपको मालूम ही है, इधर ले आओ सी अपॉन न्यू कर लो, लैम्डा का रेंज आ जाया करेगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ का रेंज हमने लिखा है, अगर आपको दोनों याद नहीं हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये एक याद कर लो दोनों में। अगर आप फ्रीक्वेंसी का रेंज आप याद कर लो, वेवलेंथ का मत याद करो। आप जब चाहोगे वेवलेंथ का रेंज निकल के आ जाया करेगा, कैसे, C अपॉन न्यू करोगे लैम्डा निकल के आ जाया करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छाई है इस पे। ठीक है, अब हम सब कुछ बता चुके हैं आपको, अब आ जाते हैं वन बाई वन वेव का नाम बताते जाएंगे और उसके बारे में वही पांच छह चीजें पढ़ते चले जाएंगे। तो आपके सामने ये पूरा का पूरा एक टेबल बना हुआ है और नेचर ने जो एक के नीचे एक ऐसा वेव रखी है ना फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, हमने उसका एक नाम रख दिया, उस पूरे ग्रुप का एक नाम रख दिया, इसको हम बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम इसको कहा जाएगा। तो यही हमारी हेडिंग पड़ी है, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, सबसे पहली इसमें जो वेव का नाम आ रहा है दैट इज गामा रेज, इसका नाम क्या है, गामा रेज। जब उनका आविष्कार हुआ, उनको जिसने भी सबसे पहले देखा उसने उनका नाम उसी वक्त क्या रख दिया, गामा रेज रख दिया। तो आज भी हम वही नाम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये गामा रेज सबसे पहले आती हैं। गामा रेज का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होता है, एक चीज मैं और आपको बताऊं, ये जो भी फ्रीक्वेंसीज लिखी है ना ये सब हर्ट्ज में लिखी हुई है, हर्ट्ज पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो वेवलेंथ लिखी हुई है दिस ऑल आर इन मीटर। अब गामा रेज का फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होता है,
5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 20 से 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 20, 10 टू द पावर 19, दैट्स अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। अभी आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि रेडिएशन के लिए एक साइंटिस्ट थे प्लैंक, क्या नाम था उनका, प्लैंक उनका नाम था, उन्होंने ये बताया था कि किसी भी रेडिएशन की अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं, एनर्जी अगर आप निकालना चाहते हैं तो एनर्जी के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था H इंटू न्यू। रेडिएशन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, H इंटू न्यू। कोई मेटेरियल पार्टिकल है और अगर वो मूव करता है तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर। लेकिन अगर रेडिएशन है तो क्योंकि उसके पास द्रव्यमान नहीं होता है, उसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू न्यू। और वो रेडिएशन फोटोन की फॉर्म में चलता है, फोटोन। प्लैंक ने यह बताया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर जाती है तो वो एनर्जी के छोटे छोटे बंडल, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह तक चलती है, और वो पैकेट्स, वो बंडल इतने छोटे होते हैं कि वो हमको दिखते नहीं है। कुछ बात समझ आ रही है? फिर से, इन आवर मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारी आधुनिक भौतिकी है, उसमें प्लैंक ने यह बताया कि ऊर्जा जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जाती हैं? आंसर है, ये ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स अथवा उनके बंडल के रूप में जाती हैं। ये पैकेट और ये बंडल इतने छोटे होते हैं कि ये हमको दिखते नहीं है। तो लाइट जलती है, बल्ब जलता है, एनर्जी आती रहती है, पर हमको दिखता नहीं। और वो जो छोटे छोटे बंडल या पैकेट बने ना, उन्होंने उसका नाम रखा फोटोन, उसका नाम क्वांटा भी रखा उन्होंने, कि उस बंडल को क्या बोला करेंगे आज से, फोटोन बोलेंगे, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्वांटा भी बोल सकते हैं। और उस एक पैकेट के पास कितनी एनर्जी हुआ करेगी, एच इंटू न्यू के बराबर, वेयर एच इज नोन एज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच को क्या कहा जाता है, प्लैंक नियतांक कहा जाता है, और न्यू क्या होती है, उस एनर्जी की आवृत्ति। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, ये बताया गया। और देखिए, उन्होंने ये भी बताया कि जब ये पैकेट जाएगा और आपकी बॉडी से टकराएगा तो ये वहीं जाके फूट जाएगा। पैकेट का मतलब आप ये मत सोचने लगिएगा कि एक पॉलिथीन के अंदर बंद है, टकराएगा फिर टकरा के नीचे गिर जाएगा तो जमीन पे बहुत सारी एनर्जी फैली हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसमें पॉलिथीन, लोहे का बक्सा, ऐसा कुछ नहीं है इस पर। ये एनर्जी का ही पैकेट है, इसके चारों तरफ एनवलप किसी चीज का नहीं है। जब ये जाएगा आपकी बॉडी के जिस पार्ट भी पर जाएगा, वहां जाके फूट जाएगा और वह एनर्जी बॉडी को आपको मिल जाएगी। तो जब ये हमारी आंख पर पड़ेगा, लाइट एनर्जी हमारी आंख के जाएगा और जाके अंदर रेटिना पे फूट जाएगा, फूट जाएगा तो हमारी आंख को क्या मिल जाएगी, ऊर्जा, और चीजें हमको दिखने लगती हैं। आप पढ़ेंगे, हम आएंगे प्लैंक थ्योरी पर आएंगे कि क्या है आखिरकार। फिलहाल अभी के लिए इतना समझ लो कि रेडिएशन के पास जो एनर्जी होती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, उसके एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी। अब गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है, देखो यहां जो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे, ये फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने रखी है, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखी गई हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब, सबसे पहले उस वेव को हमने रखा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वेरी गुड। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होते जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होते जाएगी। तो हमने इन वेव्स को एक क्रम में रखा हुआ है, और ये क्रम फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है। वेवलेंथ का, अगर फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम है तो ये वेवलेंथ का बढ़ता हुआ क्रम है, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से उल्टा चलती है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए ना। अगर दो चीजों का गुणनफल नियत रहता है तो अगर इनमें से एक चीज बढ़ रही है
तो आप समझते हैं दूसरी को घटना पड़ता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी का बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम है, तो फिर वेवलेंथ का कौन सा क्रम है? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी हुई है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है? ओके, तो गामा रेज का फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होता है? 5×10⁻²० से 3×10⁻¹. दिस इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि इनकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इनकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि अगर गामा रेडिएशन ऐसा आ रहा है, बीच में आपने अपना हाथ लगा दिया, तो ये रुक नहीं सकते, ये आपके हाथ को पार करके निकल जाएंगी। इतना, इतनी हाई एनर्जी की वेव्स हैं ये। आपने लोहे की गर्डर लगा दी, इतनी हाई एनर्जी है कि बीच में आई और लोहे की गर्डर को क्या कर दिया, इन्होंने पार कर दिया। इतनी ज्यादा हाई एनर्जी इनकी होती है, इतना, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। वेवलेंथ का रेंज कितना होता है? 6×10⁻¹⁵ से 1×10⁻¹⁰। और वो वाली बात जो मैंने बताई थी कि दोनों का गुणा करोगे तो हमेशा 3×10⁸ आएगा, देख लो इसका करके कितना आएगा, 5×6=30 और 10⁻³ कितना बचा, 5, और 30 का 3×10⁷ आ गया, 3×10⁷। अब आप सोचोगे एक तो नहीं आया, तो मैंने पहले भी बोला कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, देखिए इसमें आप इतना परेशान मत होइएगा। ओके, इसका करा के देखिए आप मल्टीप्लीकेशन, 3×10⁹ आ रहा है इस पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगी रेंज में, 100% तो कुछ भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। ओके, ये फ्रीक्वेंसी का रेंज है और ये वेवलेंथ का रेंज है। कहां से बनती है ये, सोर्स क्या है गामा रेज का? गामा रेज का सोर्स ये है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के क्षय से निकलती है। शायद आपने कभी पढ़ा हो इससे पहले रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता का नाम कभी आया हो, नहीं आया है तो फिजिक्स में आएगा बाद में। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, हमारी इस नेचर में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो पदार्थ चाहे जहां पड़े होंगे इस समय, उनसे लगातार रेडिएशन निकलता ही रहता है। आपका कंट्रोल नहीं है कि आप उसको रोक लें, अगर अपने आप निकलता है तो अपने आप ही निकलना बंद होगा, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। यह घटना को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो रेडिएशन उनमें से निकल रहा होता है, उनमें से तीन तरीके का रेडिएशन निकलता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेडिएशन। तो यह गामा रेडिएशन वही वाला है। तो यह गामा रेडिएशन कहां से निकलेगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल का अगर डीके होगा तो यह वहां से आएगा। नाभिकीय विखंडन और संलयन में भी यह निकलता है। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन मतलब छोटे, जो बड़े नाभिक होते हैं उनको टूटने से जब छोटे नाभिक बनते हैं, उस समय भी बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है और वो एनर्जी भी गामा रेडिएशन आपकी होगी। तो रेडियो एक्टिव डीके से भी आएगा, नाभिकीय विखंडन से भी आएगा, नाभिकीय संलयन में भी आपको गामा रेडिएशन मिलेगा। इसको रेडियो एक्टिव डीके कहते हैं, इसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं, और संलयन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। फिजन फ्यूजन, फिजन मतलब तोड़ना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, फ्यूज हो जाना। बल्ब फ्यूज होता था, अब तो सब एलईडी चलता है, पहले चलता था वो पीला वाला बल्ब, उस बल्ब में फिलामेंट लगा होता था, फ्यूज होके क्या होता था, उसका फिलामेंट गर्म होकर चिपक जाता था, तो हम बोलते थे बल्ब क्या हो गया है, फ्यूज। तो फ्यूज होने का मतलब क्या था, चिपक जाना। तो फ्यूज मतलब संलयित होना। डिटेक्शन कैसे करते हैं, गामा रेडिएशन को हम कैसे पता लगाते हैं कि यहां पर गामा रेडिएशन आ गया है? तो गामा रेडिएशन का हम ऐसे पता लगाते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसको हम गीगर नलिका बोलते हैं, गीगर ट्यूब। गीगर ट्यूब में हम पता लगा सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीका है, ये सब की जरूरत हमको नहीं है। बस आप ये समझ लो हमारी बॉडी में कोई सेंसर नहीं है जो गामा रेडिएशन को क्या कर सके, पता लगा सके। इसलिए हमको एक दूसरे सेंसर की जरूरत पड़ती है और उसको हम क्या बोलते हैं, गीगर नलिका।
एप्लीकेशन क्या है, परमाणु संरचना की जानकारी, परमाणु संरचना की जानकारी हम इससे लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। गामा रेज में दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा इनकी होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का रेंज बहुत ज्यादा है इनका, और एप्लीकेशन को मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिएगा। गामा रेडिएशन में क्या होता है, सबसे पहले एनर्जी ज्यादा होने से उनका पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगी, और एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो उनको कहीं भी डाल दो वो बाहर निकल ही आएंगी अपने आप। हम क्या करते हैं, गामा रेडिएशन का एक लिक्विड बनाते हैं और लिक्विड बना के एक आदमी के ब्लड में इंजेक्ट करा देते हैं, उसको ब्लड में इंजेक्ट करा देते हैं। तो जैसे आप ब्लड में इंजेक्ट कराओगे तो वो ब्लड में घुल जाएगा, ब्लड में घुल के जहां जहां पूरी बॉडी में वो ब्लड जाएगा हर जगह पर गामा रेडिएशन पहुंच जाएगा। और गामा रेडिएशन की क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है कि वो क्या करते रहता है, वो लगातार इतनी ताकत उसमें होती है कि पार करके बाहर आ जाता है। अब वो क्या होगा कि जब बॉडी में ब्लड में हम इंजेक्ट कराएंगे, पूरी बॉडी में जहां जहां भी ब्लड जाएगा वहां वो गामा रेडिएशन पहुंच जाएगा, और बॉडी के हर पार्ट से अब स्किन को, मसल्स को, बोन्स को पार करके क्या निकल रहा होगा, गामा रेडिएशन बाहर आ रहा होगा। समझ रहे हैं, अब हमने क्या किया, कहीं पर भी हमको चेक करना है आपका, हमने आपके हाथ के ऊपर एक ऐसा फिल्म लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म लगाई आपकी बॉडी के हाथ से हर जगह से रेडिएशन बाहर निकल रहा है। जब बाहर आ रहा है रेडिएशन, फिल्म पर अपनी एक चित्र बनाता चला जाता है, वो फिल्म पर जो पिक्चर बनती जा रही है हम उस चित्र को देखते जाते हैं। हमने क्या देखा कि जो फिल्म हमने लगाई है, यहां से यहां पर चित्र बना, यहां चित्र बना, देख रहे हैं, इसके बाद आगे कोई चित्र नहीं आ रहा है, इसके बाद आगे कोई चित्र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, गामा रेडिएशन अगर यहां पहुंचा होगा तो फिर वो तो अपनी रेज दे रहा होगा, तो फिर चित्र क्यों नहीं बना। मतलब साफ है कि हाथ के इस पोर्शन पे आगे गामा रेडिएशन नहीं पहुंचा। अब नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा, जरूर नलियां आगे कैसी है, ब्लॉकेज हो गया है। तो हमको देखो क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि आपके हाथ में यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे नर्व्स क्या है ब्लॉक हो चुकी है, तो वहीं पर ऑपरेट करेंगे और उसको सही कर लेंगे। किसी के सर में चोट आ गई, हमने उसको ब्लड में इंजेक्ट कर दिया और उसकी सर का एक पिक्चर ले लिया, जिसे आप स्कैन करना कहते हैं, सीटी स्कैन बोल देते हो, एमआरआई बोल देते हैं आप करना। तो हमने उसके सर का एक्सरे ले लिया, फिल्म लगाई, अब क्या देखा कि हर जगह से गामा रेडिएशन निकल रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से हर जगह से गामा रेडिएशन बाहर निकल रहा है। सर में एक जगह ऐसी है, इतनी सी जगह सर में है जहां से कोई गामा रेडिएशन एमिट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं एमिट हो रहा है भाई, इसका मतलब है वहां पर ब्लड नहीं पहुंचा होगा। अब वहां ब्लड क्यों नहीं पहुंचा होगा, जरूर वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग हो गई होगी, ब्लड क्लॉट हो गया होगा। क्लॉट होना मतलब खून का थक्का जमना, रक्त का थक्का, बायो के स्टूडेंट जानते होंगे, तो ब्लड क्लॉट हो गया होगा और इसीलिए वहां ब्लड नहीं पहुंचा। और अगर वहां ब्लड नहीं पहुंचा तो गामा रेडिएशन नहीं पहुंचा, वहां से गामा रेडिएशन नहीं आ रहा है। अब हम जान गए कि सर के इस हिस्से में प्रॉब्लम है, अगर सर के इस हिस्से में प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी उनका होता होगा। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या शामिल है ये हमको नहीं मालूम है क्योंकि हम डॉक्टर तो आए नहीं। अब वो दवा से उसको ठीक करेंगे, ऑपरेशन करेंगे उसका, ये मेडिकल टर्म है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते आपसे कुछ भी। तो इस तरीके से देखो, नेचर ने तो गामा रेडिएशन बनाया, हमने उसका क्या किया, अच्छा यूज करना शुरू कर दिया। समझ रहे हैं, ऐसे ही परमाणु संरचना के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी इनकी है कि हम किसी भी मटेरियल के भीतर डालेंगे, किसी भी पदार्थ के भीतर डालेंगे, ये वहां से बाहर निकलेंगे, उसकी एक फिल्म बनाएंगे, फिर फिल्म को अच्छे से देखेंगे और देखेंगे कि क्या जैसे नॉर्मल मटेरियल होते हैं, एक फिल्म बना ली हमने उसकी, और उस फिल्म को कंपेयर करेंगे किससे,
एक दूसरे अच्छे मटेरियल से, और पता लगेगा अगर ये अच्छे मटेरियल का चित्र है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि अगर ये पिक्चर इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका मतलब कुछ इसमें अलग है, कुछ इसमें अलग नई चीजें हैं, उनको हम स्टडी कर लेंगे निकाल के, ठीक है। ये गामा रेडिएशन का काम है। आई होप कि ये पहली चीज आपको समझ में आ गई है। ओके, गामा रेस से फ्रीक्वेंसी जब और कम में आते हैं, गामा रेस से जब फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम में आते हैं, तो एक रे हमको मिलती है जिसका नाम रखा गया एक्स रेज, एक्स किरणें जिसका नाम रखा गया, और ये वही एक्स रेज हैं जो हॉस्पिटल में कभी भी किसी का हड्डी टूट जाने पर उसका एक्सरे लिया जाता है, तो ये वही एक्स रेज हैं। इन एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, देखो एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी का रेंज 3×10⁻¹⁹ से 1×10⁻¹⁶ हर्ट्ज तक, ये इनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज है। जहां से इसकी फ्रीक्वेंसी खत्म, वहां से हमने इसको क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब देखो हमने तो पाला बना दिया ना कि यहां से गामा खत्म, यहां से कौन शुरू, लेकिन नेचर ने ये नहीं किया, और यही रीजन है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर हो जाएगा तो आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि यार यहां तो ये लिखा था, अब यहां ये बताए दे रहे, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता रहेगा। और 1×10⁻¹⁶ हर्ट्ज ये इसका रेंज है। वेवलेंथ का रेंज क्या है, 1×10⁻¹⁰ से 3×10⁻¹⁸, ये वेवलेंथ का रेंज है। एक्स रेज का सोर्स क्या है, बनाते कैसे हैं इसको, एक्स रेज का सोर्स क्या है, उसको बनाते कैसे हैं, अगर हॉस्पिटल में एक्स रेज निकलती हैं तो उसको कैसे वहां बनाते होंगे, इसका बड़ा अच्छा सा है। वैसे इसके बारे में एक वैज्ञानिक थे, रंजन थे, उन्होंने एक्स रेज के बारे में बताया हुआ था। और इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स ये है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करिए, बहुत तीव्र गति से चलाइए, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तीव्र गति से चलाइए, और जब वो इलेक्ट्रॉन बहुत तीव्र गति से चलने लगे तो उसके आगे उनको रोकने के लिए एक हैवी मेटल लगा दीजिए। हैवी मेटल मतलब प्लेटिनम, मॉलिब्डेनम, ये लगा दे, दीज आर हैवी मेटल्स, तो ये तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देंगी, रोक देंगी, रोक देंगी मतलब उनको मंदित कर देंगी, उनको डी एक्सेलरेट कर देंगी, उनको रिटार्ड कर देंगी। अब ये बड़ी तेज आ रहे थे, अचानक से इनका क्या हो गया, रिटार्डेशन। तो हम देखते क्या है कि अगर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को सडन रिटार्ड कर देते हैं, अचानक से उनकी स्पीड को खत्म कर देते हैं, तो ये क्योंकि बहुत तेज थे, इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जब ये टकराते हैं तो इनकी एनर्जी तो खत्म हो गई, बट एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ से ऊर्जा नष्ट तो नहीं हो सकती, कहीं तो गई होगी, कहां गई होगी एनर्जी, तो आंसर है जितनी भी एनर्जी लेके आए थे, टकराए थे, उस एनर्जी का बहुत थोड़ा सा पार्ट ऐसा होता है जो एक नई प्रकार की रेज निकालता है, उनका जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रेंज होता है वो गामा रेज का नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम रहता है। तो हमने उनका नाम गामा तो नहीं रखा, पर उनका नाम हमने क्या रख दिया, एक्स रेज रख दिया। तो एक्स रेज कैसे मिला करेंगी, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के अचानक मंदन द्वारा, बहुत हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, हैवी मेटल लगा के रोक दो, तो उनके एनर्जी का बहुत जरा सा पार्ट, आप हो सकता है यकीन ना करें 0.02% पार्ट केवल एक्स रेज में बदलता है। मतलब अगर वो 100 एनर्जी लेके आई है, 100 एनर्जी लेके आई है, तो 0.02 एनर्जी केवल एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसकी फ्रीक्वेंसी का रेंज गामा से थोड़ा कम का रहता है, गामा के बराबर नहीं रहता, तो हमने उसको अलग रख दिया। ये सोर्स हो गया। डिटेक्ट कैसे करेंगे, डिटेक्ट ऐसे करेंगे कि ये फोटोग्राफिक फिल्म पर क्या करती हैं, अपना प्रभाव डालती हैं। फोटोग्राफिक फिल्म का मतलब एक्सरे फिल्म देखी होगी आपने, ब्लैक कलर की रहती है, वो फोटोग्राफिक फिल्म होती है एक्सरे फिल्म, उस पर इनका इफेक्ट पड़ता है, और वाकई में इफेक्ट पड़ता है। हम क्या देखते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी इनका भी कोई बहुत कम नहीं है, गामा रेज का अगर फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो इनका भी फ्रीक्वेंसी 19 है, कम तो है नहीं। अगर इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो इनका एनर्जी भी बहुत हाई होती है, गामा रेज से थोड़ी सी कम होती है,
लेकिन कम हो जाने का मतलब ये मत समझिए कि बहुत कम होती है, थोड़ी सी ही कम है केवल। इनके अंदर भी पावर है कि बड़ी बड़ी चीजों को पार करके उसके आर पार निकल जाएंगे, इतनी भेदन क्षमता इनकी ज्यादा होती है। तो होता क्या है, अगर किसी की बोन्स में टूट फूट हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से गामा रेज डालते हैं और एक तरफ से फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं, सॉरी एक्सरेज डालते हैं। अब एक्सरेज डालेंगे और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है, फोटोग्राफिक फिल्म। ये एक्सरेज की इतनी पावर है कि ये पार करके निकल जाएंगी, पार करके निकलेंगी। बस हम उनको करते क्या है, इस तरह से उनको बनाते हैं कि वो हमारी स्किन को, मसल्स को, ब्लड वीन्स को, सबको पार कर जाएंगे, केवल वो हड्डी को पार नहीं कर पाती हैं, हड्डी को पार नहीं कर पाती हैं। अगर हड्डी को पार नहीं कर पाएंगी तो यहां से रेडिएशन चला जाएगा, यहां से रेडिएशन चला जाएगा, केवल जहां जहां पर बोन होगी वहां से रेडिएशन पार नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको, और हमारी बोन का चित्र आ जाता है उस पर। अब अगर हड्डी का चित्र आ जाएगा तो जहां से हड्डी क्रैक होगी हमको इस पर दिख जाएगा। और हम अब आप ये सोच रहे हो कि क्या एक्सरे वाकई में बोन को पार नहीं कर सकते, कर सकती हैं। बोन्स को पार नहीं कर पाती, इसके लिए उनकी भेदन क्षमता अगर आपको बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको जो मशीन में वोल्टेज लगाते हैं वो बढ़ाना पड़ता है। जब आप 60,000 वोल्ट लगाते हो, 60,000 वोल्ट, तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वो मसल्स को पार कर जाएं, पर हड्डी को पार नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप उस मशीन के दोनों प्लेट्स के बीच में, टारगेट और फिलामेंट के बीच में अगर आप 1,00,000 वोल्ट लगा दोगे, 1,00,000, तो हड्डी को भी पार करना शुरू कर देंगी। अब आपकी बोन का चित्र नहीं छपेगा। तो जब भी एक्सरे लिया जाता है तो लगभग कितना वोल्ट लगाया जाता है, 60,000 वोल्ट। और अगर हमको हड्डी का चित्र नहीं लेना है तो कितना वोल्ट लगाएंगे, तो आप सोचोगे तो फिर चलाएंगे ही क्यों जब हड्डी का चित्र नहीं लेना। ये उस समय चलाते हैं जब किसी को बुलेट लग जाती है, गोली लग जाती है, तो क्योंकि गोली में क्या लगती है, लोहे के छर्रे लगते हैं। तो हमको हड्डी का चित्र नहीं लेना, हमको लोहे का चित्र लेना है कि कहां कहां लोहे के छर्रे धसे हुए हैं। तो हमने एक्सरे लिया 1,00,000 वोल्ट लगा के, किसका चित्र नहीं आया, किसका आ गया, हड्डी का नहीं आया पर छर्रे का आ गया। अब हम ऑपरेशन करके उसी उसी जगह से छर्रे निकाल देंगे, नहीं तो पूरे हाथ की छीछल इधर करे घूमोगे फिर, यहां भी चीर फट रही हो, यहां चीर फट रही हो, ये थोड़ी होगा। पहले हम देख लेंगे कहां कहां छर्रे हैं, उसी से निकाल देंगे। और भी बड़ी अच्छी अच्छी थेरेपी है। अगर तुरंत का केस है गोली लगने का, तो मैग्नेट में इतनी बढ़िया बढ़िया थेरेपी है कि बिना कुछ किए भी गोली के छर्रे निकाले जा सकते हैं। क्योंकि जहां से गोली के छर्रे अंदर गए होंगे वहां जगह तो बन गई होगी, अंदर प्रकट तो नहीं हुए होंगे, तो एक रास्ता उन्होंने बनाया होगा। अगर तुरंत का केस है तो ऐसे मैग्नेट लगा देंगे हम यहां पर, मैग्नेटिक फील्ड, कि वो छर्रों को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे बाहर। जब इससे भी काम नहीं बनेगा तो ऑपरेशन करेंगे, उससे निकाल लेंगे और एक्सरे करेंगे। उस समय अगर 10,00,000 वोल्ट लगा दो मशीन में, 10,00,000 वोल्ट, तो लोहे की मोटी मोटी गर्डर को भी पार करवा सकते हो फिर आप, इतनी पावरफुल एक्सरेज होती हैं। अस्पतालों में यूज होता है, उद्योग में यूज होता है, देखो इसका इंडस्ट्री में भी हम इसका यूज करते हैं। कैसे इंडस्ट्री में हम ऐसा यूज करते हैं, हमने क्या किया, लोहे को पिघलाया, लोहे को पिघला के उसका हमने एक पिलर बनाया, उसके हमने बीम बनाई लोहे को पिघला करके। अब लोहे को पिघला के हमने बीम तो बना दिया, लोहे को पिघलाया, सांचे में डाला, आसपास से देखा बड़ा चिकना बढ़िया बीम तैयार हो गई, पर अंदर का तो आपको नहीं दिखता ना। तो हम क्या करते हैं, उस बीम में जो बनाई है हमने, उस पर हम एक तरफ से एक्सरेज डालते हैं और दूसरी तरफ क्या लगा देते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं। अब अगर बीम बनाते समय अंदर लोहे में कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो उस एक्सरे में आ जाएगा, मतलब वो फोटोग्राफिक फिल्म में आ जाएगा। और अगर वो फोटोग्राफिक फिल्म में आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि बाहर से देखने में तो सांचे में ढला अच्छा लग रहा है, पर अंदर अगर कोई डिफेक्ट है तो हमको पता लग जाएगा। अगर डिफेक्ट नहीं है तो भी पता लग जाएगा, है तो भी पता लग जाएगा, और अगर डिफेक्ट है तो दोबारा गलाएंगे, फिर उसको सांचे में डालेंगे। क्यों, क्योंकि अगर डिफेक्ट वाली चीज हम लगा देंगे कहीं पर मशीन में और फिर उसमें लोड पड़ेगा तो वो वहां से टूट जाएगी, तो हम उसके अंदर डिफेक्ट का पता लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में पता लगा सकते हैं।
स्पेक्ट्रोस्कोप में भी यूज कर सकते हैं, हम इसको लाइट की जगह पर भी प्रयोग करते हैं चीजों को देखने में, तो स्पेक्ट्रोस्कोप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका। ये हो गई एक्सरेज। इसके बाद अगर इसकी फ्रीक्वेंसी और कम कर दी जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, जिसे हम बोलते हैं पराबैंगनी विकिरण। शायद आपने नाम सुना हो, पराबैंगनी विकिरण। अल्ट्रावायलेट रेज का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो 1×10^16 से 8×10^14 हर्ज तक होता है, और ये उनकी वेवलेंथ का रेंज है। सोर्स क्या होता है? परमाणुओं के उत्तेजन द्वारा और निर्वात नलिका में विद्युत विसर्जन द्वारा परमाणुओं को उत्तेजित करते हैं। कैसे? एक ट्यूब लेते हैं, उसके भीतर हम गैस भर दे दिया कोई हमने, या जिसके भी एटम्स को हमें एक्साइट करना होता है उसको हम भर देते हैं। ऐसा यहां से प्लेट लगा दिया हमने। अब इन पे हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के प्लेट गर्म हो जाती है। गर्म होकर इससे क्या निकलना शुरू हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं वो आगे की तरफ चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकले तो वो तो बड़ी एनर्जी लेके निकले, वो जिस भी एटम से टकरा जाएंगे उस एटम को टकराएंगे और अपनी एनर्जी उसको दे देंगे। और जब भी किसी को एनर्जी मिलती है वो एटम क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो परमाणु को हम इस तरीके से उत्तेजित कर सकते हैं, परमाणुओं के उत्तेजन से भी और निर्वात नलिका में विद्युत विसर्जन द्वारा। एक नलिका होती है जिसके अंदर हम वैक्यूम पंप लगा के उसको निर्वात उत्पन्न कर देते हैं, फिर उसमें हम इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाते हैं, वैद्युत विसर्जन, और वैद्युत विसर्जन से भी हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज को बना सकते हैं। डिटेक्शन कौन करेगा? क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट है जिसको डिटेक्ट कर सकता है? आंसर इज नो। फोटोग्राफिक फिल्म डिटेक्ट कर सकती है और पीएन संधि डिटेक्ट कर सकती है। पीएन संधि के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा आगे के लेसन में, अभी आपको इसी क्लास में आगे के लेसन में पढ़ने को मौका मिलेगा। इसलिए ये डिटेक्टर के रूप में हम यूज करते हैं। अब पीएन संधि क्या होती है क्या नहीं होती है अभी बताएंगे तो फालतू का टाइम जाएगा, पर पीएन संधि डिटेक्ट कर सकती है। एप्लीकेशन क्या है? कीटाणुओं को मारने में, फॉर किलिंग जर्म्स। और ओजोन परत में क्या कर देती है? ये छेद कर देती है। देखो नेचर ने अल्ट्रावायलेट रेज को कैसा बनाया कि ये क्या कर सकती है, इसके पास बड़ी एनर्जी होती है। बउआ हो, इससे थोड़ी ही तो एनर्जी कम है, पर अभी भी पावर 16 है यार, कम नहीं हुई है बहुत। इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पे आपको रखा जाए, आप रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के सामने, तो आप जानते हैं आपके शरीर में टैनिंग हो सकती है, आपके शरीर में जलन पैदा हो जाएगी। धूप में आप देखते हो सन रेज के साथ साथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, ये रेडिएशन आता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा जब आपको बहुत धूप में रहना पड़ता है उस वक्त कभी कभी गले में या बॉडी के किसी पार्ट में आपने देखा होगा ब्लैक कलर के रेसेस आ जाते हैं और खुजली करते हैं वो, फिर आप पाउडर वाउडर लगा के उसको सही करने का प्रयास करते हैं। कभी हुआ है गले में ऐसा हो जाता था पहले मेरे, तो धूप में निकलना पड़ता था तो ये हो जाता था और बड़ी खुजली हुआ करती थी। तो ये जला सकती है आपकी बॉडी को, इतनी ताकत इस पे होती है। अब देखो ये हमारी बॉडी को जला सकती है, तो सबने सोचा अरे यार ये तो बड़ा खराब है। हमने क्या बताया, नेचर ने उसको बनाया है। आप उसको खराब सोच रहे हो, आप उसको अच्छा सोच रहे हो, ये अलग बात है। हमने उसका कैसे यूज किया? हमने देखा कि ये हमारी स्किन को जला सकती है, इसका मतलब ये कीटाणुओं को भी क्या कर सकती है। जब हमारी स्किन जल सकती है तो छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उनको तो मार ही सकती है ना ये। तो हमने इस चीज का इस्तेमाल कर लिया। क्या कर लिया हमने? धूप में पानी को रख दीजिए आप एक बाल्टी, जब धूप में पानी को रख दोगे धूप के साथ क्या आएगा? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पानी में पड़ेगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और उसमें जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी जर्म्स होंगे, कीटाणु होंगे, वो सब क्या हो जाएंगे। उसके बाद उस पानी को क्या कर लो? फिल्टर।
तो ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पानी शहरों में भेजा जाता है, सप्लाई जो की जाती है वाटर सप्लाई, इसमें क्या होता है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पूरा उनका उन्होंने बना रखा है अपना, सबसे पहले वो लोग नदियों से पानी लेते हैं, नदियों से पानी लेकर उसे दो दिन तीन दिन तक खुले तालाबों में रखा जाता है। पहले तालाब उन्होंने पक्के तालाब बना के रखे हैं, तो खुले तालाबों में इस पानी को रखते हैं। क्यों? ताकि उस पर धूप पड़े, धूप पड़े, धूप पड़ने से उनके जर्म्स मर जाएंगे, और उसके बाद तीन दिन के बाद उस पानी को फिर से निकालेंगे और उसको छान लिया जाएगा, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद अगर, अब देखो साफ तो हो गया, यह हो सकता है कि कीटाणु मारे गए हैं तो कुछ स्मेल खराब उसमें हो सकती है पानी में अभी भी, तो उसके लिए फिर हम चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। चारकोल में क्या होता है, कार्बन, और वो कार्बन की ऐसा गुण है कि वो सबके साथ रिएक्ट कर लेता है, उसमें से पानी को हम पास करेंगे फिर, तो चारकोल जो होगा उसकी गंदी स्मेल को भी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी साफ आ जाएगा। वही पानी शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले भेजते हैं। और ऐसा ही एक मशीन आप अपने घर में लगा के रखते हैं जिसको आप बोलते हैं वाटर प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर आप लगाते हैं। तो वाटर प्योरीफायर में क्या होता है, वाटर प्योरीफायर में कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, आप उसमें पानी डालते हैं, आपके घर में अगर है तो आपको पता होगा उसमें एक बल्ब लगा रहता है, जो बल्ब लगा रहता है उससे लाइट निकलती है, और वो लाइट आप जानते हैं वो परबैंगनी विकिरण ही होता है, अल्ट्रा वायलेट रेज वो देता है। अल्ट्रा वायलेट रेज निकली, पानी पर पड़ी, उनके पड़ने से क्या हो गया, उसमें अगर कोई कीटाणु है तो कीटाणु मर गया। कीटाणु मरने के बाद उस पानी को नीचे लाया गया, उसको क्या कर लिया गया, फिल्टर, छान लिया गया। उसको छानने के बाद भी अगर उसमें कुछ गंदी स्मेल रह गई है, महक रह गई है, बदबू रह गई है, तो चारकोल लगा हुआ है, चारकोल में से उसको गुजार देते हैं, और उसके बाद नीचे जब आप टैप से खोल के पानी निकालते हो बिल्कुल प्योर पानी पीने योग्य आपको मिल जाता है। तो वाटर प्योरीफायर जो आप लगाते हो यही सिस्टम है पूरा, कीटाणु को मारने में हम उसका यूज कर लेते हैं। ऐसे और देखिए गामा रेज, एक्स रेज, क्योंकि ये सब बड़ी पावरफुल रेज हैं, बड़ी एनर्जी इनमें होती है, और मैंने बताया इतनी एनर्जी होती है कि अगर ये बॉडी के किसी पार्ट पर पड़े तो बॉडी के उस पार्ट को क्या कर सकती है, डैमेज भी कर सकती है, बॉडी के उस पार्ट की कोशिकाओं को मार सकते हैं, बॉडी का वो पार्ट डैमेज हो जाएगा। इसीलिए एक्सरेज वगैरह, गामा रेडिएशन वगैरह बॉडी के किसी भी पार्ट पर बहुत देर तक नहीं डाला जाता। तो आपने कभी भी एक्सरे किसी का हुआ होगा अगर, या आप गए होंगे किसी के साथ एक्सरे उसका हुआ होगा, तो आप देखो वो पहले सेट करके लिटा देते हैं, हाथ रखवा दे जिसका भी एक्सरे होना है, उसके बाद एक्सरा जब लिया जाता है बस वे एक बटन दबाते हैं, खट से बटन दबाते हैं, बहुत कम समय में, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, जैसे बटन दबाई एक्सरे हो गया, बस कहेंगे चलो उठो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक्सरे बहुत देर तक अगर डालेंगे तो बॉडी का वो पार्ट क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा, कोशिकाएं मरने लगेंगी, और ये नुकसान है। अब देखो हम जानते हैं कि इसमें इतनी खराबी है, पर यूज तो हम पे डिपेंड करता है, हमने यूज ही उसको बड़े छोटे समय के लिए किया, इतने छोटे समय के लिए इसको यूज किया ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए हमको, और हम उसको बड़े समय के लिए भी डालते हैं शरीर पर, ज्यादा समय के लिए भी डालते हैं। तो आप सोचोगे ज्यादा समय के लिए क्यों डालते हैं, क्या वाकई में जानबूझकर खराब करना चाहते हैं? हाँ, हम बॉडी के किसी किसी चीज को, किसी किसी कोशिकाओं को हम जानबूझकर खराब करना चाहते हैं। कैसे? जैसे बॉडी के किसी पार्ट पर अगर कैंसर सेल्स डेवलप हो रही हैं, कैंसर की कोशिकाएं पनपने लगी वहां पर, हम क्या चाहते हैं कि कैंसर की कोशिकाएं अगर पनपती रहीं तो एक दिन बड़ा रूप ले लेंगे, हम कैंसर की उन सेल्स को मारना चाहते हैं। तो बॉडी को उस पार्ट पे हम क्या करेंगे, एक्सरेज डाल देंगे, और देर तक डालेंगे, देर तक का मतलब 24 घंटा नहीं। फिर से मैं वही कहूंगा, ये मेडिकल टर्म है, इसके बारे में नहीं बता सकते आपको, पर हम इतनी देर तक उसमें डालेंगे ताकि जो कैंसर की कोशिकाएं पनप रही हैं हम उन्हें क्या कर सकें, मार सकें। तो हम ज्यादा देर तक भी डालते हैं, तो यूज हमारे हाथ में है कि हम कैसा यूज करते हैं। ओजोन की परत में छेद कर देती है, सूर्य से आने वाले लाइट में जो सनलाइट आती है उसमें यह परबैंगनी विकिरण रहता है, और सूर्य और अर्थ के बीच में एक लेयर बनी हुई है ओजोन की,
ये लेयर क्या करती है, ये लेयर सन से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोकने का काम करती है। सन से जो अर्थ तक पराबैंगनी विकिरण आता है उसको वो रोकने का काम करती है। फिर भी बहुत सारा पराबैंगनी विकिरण यहां तक आ जाता है। अब आप सोचिए, जब ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट रेज को रोक रही है तब इतनी आ जाती है कि आपको जला सकती है वो। और अगर ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता? फिर तो ये होता ना कि आपने एक कदम ऐसा धूप में रखा, बस आग लग गई, समझो फसलें बनती, फसलें नहीं पैदा हो सकती थी और कोई जीवित नहीं रह सकता था। तो ओजोन लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीने में। लेकिन यह पराबैंगनी विकिरण में इतनी पावर है कि यह ओजोन लेयर में भी क्या कर सकती हैं, छेद कर सकते हैं। आपने कभी न्यूज पढ़ा हो, सुना हो कि अभी कुछ सालों पहले ओजोन लेयर में छेद हो रहे थे, तो वैज्ञानिक लोग उनको भरने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें छेद हो गए, ओजोन लेयर खत्म हो गई हमारे अर्थ और सन के बीच में, तो कोई जीवित नहीं रहेगा फिर। ये पराबैंगनी विकिरण होता है। और आप देखिए मार्केट में जितने ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, क्रीम जितनी आती हैं, जितने ये सब कुछ आता है, उसमें कभी भी आप देखिए उसमें लिखा रहेगा, जब ज्यादातर गर्मी के मौसम में जो यूज होते हैं धूप में, उनमें हमेशा लिखा रहेगा यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? यूवी अल्ट्रा वायलेट से वो क्या करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। बोले धूप में निकलो तो ये सनबर्न लगा के निकलो, सनबर्न आता है भाई, तो अमीर लोग लगाते हैं, आप लोग लगाते होंगे। विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश इसको हिंदी में कहा जाता है। विजिबल लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश। ठीक है, जब और फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो ये विजिबल लाइट हमको मिलती है। इतनी फ्रीक्वेंसी होती है विजिबल लाइट की, 8 × 10⁴ से 4 × 10⁴ हर्ज तक, ये उनका वेवलेंथ का रेंज होता है। ठीक है, ये वो लाइट है जिसको हमारी आंखें सेंस कर लेती हैं। यही वो पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, यही एक पार्ट है जो हमारी आंखें क्या कर लेती हैं, इसको सेंस कर लेती हैं। पराबैंगनी को हमारी स्किन सेंस कर लेती है। समझ रहे हैं? स्किन जल जाए, समझो आपकी बॉडी में पराबैंगनी विकिरण पड़ा था। लेकिन उससे अगर फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, देखो इसको कौन सेंस कर रहा था, इसको अल्ट्रावायलेट डिटेक्शन, हमारी स्किन भी सेंस कर सकती है इसको। आप चाहें तो यहां स्किन लिख सकते हैं, जल जाएगी आपकी स्किन, तो समझ लो कि आपको अल्ट्रावायलेट रेस पड़ी। विजिबल लाइट थोड़ा सा देखो, हमने फ्रीक्वेंसी कर दिया कम, जैसी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम की, अब हमारी स्किन ने पहचानना बंद कर दिया। अब हमारी स्किन के पास उसको पहचानने की ताकत नहीं है, तो फिर इसको पहचानने की ताकत किसके पास है? ह्यूमन आईज के पास है। तो ये जो बल्ब से आती है लाइट आप देखते हैं, ये यही वाली चीज है। अब इसमें भी आप देखने गए, 7 parts इसमें भी आपको मिलते हैं। वो जो कलर आपको बताए जाते हैं, कलर बताए जाते हैं ना इस पे विबगेयर के हिसाब से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, वो सब इसी के पार्ट हैं, क्योंकि वो सब इसी में आप देख लेते हो। तो यही हिस्सा है जो केवल हमको दिखता है। इसको कैसे सोर्स क्या है इसका? यही सोर्स है जो इसका सोर्स है, परमाणुओं को उत्तेजित करके निर्वात नलिका में विद्युत विसर्जन के द्वारा सेंस कर सकता है ह्यूमन आइज। अब इससे बड़ा सेंसर आप क्या जानोगे? पीएन संधि भी सेंस कर लेगी, फोटोग्राफिक फिल्म भी इसको सेंस कर लेती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सेंस करने का काम ह्यूमन आइज से किया जा सकता है, अगर विजिबल लाइट है तो। समझ रहे हैं? और इसी विजिबल लाइट में वो 7 भाग है जिसमें वायलेट से लेकर रेड तक के पार्ट आते हैं। एप्लीकेशन क्या है? अब इसका भी एप्लीकेशन बताना पड़ेगा। देखने में काम आती है ये लाइट से ही, तो आप जला के देखते हो सब कुछ, अणुओं को अणुओं के बारे में समझने में यूज करेंगे। अगर हमको अणुओं की पढ़ाई करनी है तो भी, और नॉर्मल स्टडी करनी तो भी, तो इसको जलाते हो आप, अंधेरे में तो नहीं पढ़ लेते ना।
तो दुनिया में जितने काम होते हैं सब लाइट में ही तो कर पाओगे आप। कोई भी इंपॉर्टेंट वर्क है उसको आप लाइट में ही करते हो, पढ़ाई करने का काम है, कोई आपको वैसी चीज बड़ा देख के काम करना है तो लाइट जलानी पड़ेगी आपको, ये सारे वर्क इससे होते हैं। तो ये विजिबल लाइट का पार्ट होगा आपका, समझ आ गया? इसमें तो कोई ज्यादा खास नहीं है। इसमें जो सेवन पार्ट्स होते हैं ना उनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, उनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? रेड की। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है, बाकी पूरे के पूरे पांच पार्ट इनके बीच में आ जाएंगे आपके, ठीक है? उससे और अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दें तो फिर हमारी आंख उसको नहीं देख पाती। देखो कितना अजीब है ना, इस रेंज में अगर है फ्रीक्वेंसी वेव्स की तो हमारी आंखों से दिखेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर है तो नहीं दिख रहा है, आंख नहीं पहचान पा रही है, स्किन पहचान रही है पर आंख नहीं पहचान पा रही, इससे थोड़ा नीचे किया अब स्किन नहीं पहचान पा रही, आंख पहचान पा रही है, इससे थोड़ा और कम फ्रीक्वेंसी का रेंज कर दिया फिर आंख ने पहचानना बंद कर दिया, आंख फिर नहीं पहचान पा रही है, अब यह भी हमको नहीं दिखती। तो अगर हमारी आंखों से कोई पार्ट दिखता है विद्युत चुंबकीय तरंगों का तो यही पार्ट है जो हमको दिखता है, ठीक है? इससे फ्रीक्वेंसी कम कर दिया, इंफ्रारेड आ गया। इंफ्रारेड को बोला जाता है अवरक्त भाग। देखो सबसे नीचे कौन सा था? रेड, लाल रंग। अगर उससे भी फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे आप तो ये अवरक्त भाग मिलेगा, और अगर वायलेट से फ्रीक्वेंसी ज्यादा कर दोगे तो पराबैंगनी, पर ना ये दिखेगा आपको ना ये दिखेगा, इसको छोड़ के कोई नहीं दिखेगा आपको। ये फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ, सोर्स क्या होगा? अणुओं एवं परमाणुओं के उत्तेजन द्वारा। अणुओं और परमाणुओं का उत्तेजन कैसे करेंगे? अभी हमने बताया जिन परमाणुओं का उत्तेजन करना होता है उसे ट्यूब में भरिए, उसमें दो प्लेट्स लगाइए, उसमें बिजली प्रवाहित करवा दीजिए। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे ऐसे, और इलेक्ट्रॉन दौड़ने से जब वो टकराएंगे तो अपनी एनर्जी उन परमाणुओं को दे दिया करेंगे और उससे वो परमाणु ऊर्जा पाकर एक्साइट हो जाते हैं। डिटेक्शन कौन कर सकता है? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पढ़ोगे फिर पता चलेगा आप यूज कहां पर करते हैं। देखो रिमोट कंट्रोल में, उपग्रहों में, हरित ग्रह प्रभाव जिसे आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो, रिमोट कंट्रोल में इसी का यूज होता है। देखो नेचर ने इसको बनाया, नेचर ने किसको बनाया? इंफ्रारेड को। नेचर ने इंफ्रारेड बनाया, यूज करते हैं कि क्या करते हैं वो हम पर डिपेंड करता है। इसका यूज इतना अच्छा है कि इंफ्रारेड को हमने ना रिमोट्स में यूज कर लिया, रिमोट सिस्टम में। तो आप जितने रिमोट आप देखते हैं, आपके टेलीविजन का रिमोट है, आपके बॉक्स का रिमोट है, आपके म्यूजिक प्लेयर का रिमोट है, जितने भी रिमोट आप देखते हैं सब में कौन सी वेव यूज हो रही है? सब में इंफ्रारेड का हमने यूज किया। इनकी खास बात क्या है? ये हमको हमारी आंखों से दिखती है कि नहीं दिखती? आंसर है नहीं दिखती। और नहीं दिखती है ना तभी तो अच्छा है, नहीं दिखती है तो ये हमको डिस्टर्ब भी नहीं करती है। काहे से? अगर रिमोट में हमने, देखो ध्यान से, अगर रिमोट में हमने ये वाली लाइट यूज की होती तो क्या होता? कमरे में बैठ के चार लोग, पांच लोग, आठ लोग कोई टीवी का कोई प्रोग्राम आप देख रहे हो, आप टीवी का प्रोग्राम देख रहे हो, आपके हाथ में रिमोट है, आप बार बार चैनल चेंज करते हो, तो जितनी बार आप चैनल चेंज करते और अगर ये वाली लाइट हम यूज करते उतनी बार लाइट जलती फिर बुझती, फिर जलती फिर बुझती, तो जो बाकी सात आठ लोग बैठे हैं उनको बड़ा डिस्टर्बेंस होता। अब आप ही सोचो ना, कमरे में बार बार लाइट जले फिर बुझे, फिर जले फिर बुझे, फिर जले फिर बुझे, आपको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। हमने क्या यूज किया रिमोट में? अल्ट्रावायलेट, नहीं सॉरी इंफ्रारेड। ये हमारी आंखों से दिखती नहीं है। आप 1000 बार ऐसे ऐसे करते रहो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है? कोई सामने भी आ गया फिर भी दबा दिया आपने तब भी वो नहीं जान पाएगा कि आपने दबा दिया, लेकिन हमारा काम हो जाता है। उतनी दूर रखा टेलीविजन ऑन हो जाता है, चैनल चेंज हो जाता है, आवाज बढ़ जाती है, सब हो जाता है। तो हमने इसका इस्तेमाल किया क्योंकि हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा।
सैटेलाइट में भी हम इसका यूज करते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी इसका यूज करते हैं। आप जानते हैं ये जो अवरक्त भाग होता है ना, अवरक्त भाग, इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज ऐसा होता है कि इसमें कुछ कुछ इफेक्ट हीट रेडिएशन के आने लगते हैं, कुछ कुछ प्रभाव किसके आने लगते हैं, हीट के आने लगते हैं, ऊष्मा के आने लगते हैं, गर्माहट के आने लगते हैं कुछ प्रभाव। अब गर्माहट के अगर आने लगते हैं तो क्या होता है, रेडिएशन जहां पर पड़ेगा उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। तो हमने ग्रीन हाउस बनाए जहां पर बहुत सर्दी पड़ती है, -30, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहते हैं, वहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, वहां पर सब्जियां नहीं उग सकती हैं, और अगर सब्जियां नहीं लगेंगी उगेंगी तो फिर आदमी खाएगा क्या। तो हम सब्जी उगाना चाहते हैं पर वहां का एटमॉस्फेयर में कूलिंग बहुत है, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सब्जियां उगी नहीं सकते। फिर क्या करते हैं हम, जो पौधे हम लगाते हैं ना, उस पौधे के आसपास कांच का ऐसा एक घर बना देते हैं, कांच का क्या बना देते हैं, एक घर बना देते हैं, और उस ग्लास की क्वालिटी होती है कि सन से आने वाली लाइट को अंदर चले जाने देगा, अंदर चली जाएगी, और जब सूर्य छिपेगा तो नियम क्या होता है कि दिन में सन से लाइट आई है और रात में उतनी लाइट क्या हो जानी चाहिए, चली जानी चाहिए, तभी तो मौसम फिर से उतना ही ठंडा हो जाएगा। और सोचो अगर आती ही रहे तो टेम्परेचर तो इतना बढ़ जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उन घरों के भीतर लाइट चली तो जाती है, हीट चला जाता है, पर बाहर निकल नहीं पाता। तो पौधे लगातार कैसे बने रहते हैं, गर्म। तो बाहर का टेम्परेचर -40 है पर अंदर का टेम्परेचर है -5, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस ऐसे। और इस एटमोस्फियर में पौधे आराम से पनप सकते हैं, सब्जी उगेगी और लोगों को खाने को मिलेगा। अब हम क्या देखते हैं कि जहां ठंड पड़ रही इतना टेम्परेचर डाउन है, वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, सफेद ही दिख रहा है, केवल जहां घर बनाया है आपने वहां हरा हरा दिखता है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वहां इसका यूज होता है। तो इंफ्रारेड में ना थोड़ा थोड़ा गर्माहट का एहसास आने लगता है, इसलिए हम यहां पर उनका यूज करते हैं हरित गृह प्रभाव में। ये हो गया इंफ्रारेड, पर इसको हमारी आंखें सेंस नहीं कर सकती, हमको दिखता नहीं है। अगर इनसे थोड़ा और रेंज कम कर दे, देखो इंफ्रारेड में ही आता है हीट रेडिएशन आपका, इंफ्रारेड से थोड़ा सा अगर कम कर दे जरा सा तो हीट रेडिएशन आ जाएगा, और हीट रेडिएशन है ये उनका फ्रीक्वेंसी रेंज है, ये उनका वेवलेंथ का रेंज है। लेकिन यह इंफ्रारेड में, क्योंकि इंफ्रारेड में मैंने बोला था थोड़ा थोड़ा गर्माहट का एहसास आने लगता है, और हीट रेडिएशन में जाके बिल्कुल गर्माहट का एहसास आ जाता है। यह पूरा का पूरा थोड़ा सा ही चेंज हुआ, पूरी हीट रेडिएशन कन्वर्ट हो गई। सोर्स क्या है, ये सोर्स है किसी भी गर्म वस्तु से हीट का रेडिएशन बाहर निकल सकता है। इसको डिटेक्ट कौन करेगा, हमारी स्किन डिटेक्ट करेगी, हमारी आंखें नहीं समझ सकती, हमारे कान नहीं उसको समझ सकते, नाक नहीं उसको समझ सकती, टंग नहीं समझ सकती, लेकिन स्किन में अगर हम ऐसा ले जाएंगे तो हमारी त्वचा में गर्म गर्म लगेगा, हम जान जाएंगे कि ये चीज कैसी है, इससे हीट रेडिएशन निकल रहा है। थर्मामीटर भी पहचान जाएगा, आप उस बॉडी में जाकर ऐसा थर्मामीटर लगा दो, टेम्परेचर बता देगा उसका, ठीक है। एप्लीकेशन यूज कहां करोगे, हीट रेडिएशन का यूज कहां करोगे आप, चीजों को गर्म करने में। और चीजों को गर्म करने में का मतलब यह है, आप देखें मैं आपको बताऊं, इंफ्रारेड में थोड़ा थोड़ा गर्माहट का एहसास आने लगता है और हीट रेडिएशन तक पहुंचते पहुंचते फूल आ जाता है। अब एक्चुअली होता क्या है, कभी किसी को अगर बॉडी पे मसल्स इंजरी हो गई, आपके पैर में, आपके हाथ में, आपकी पीठ में, कहीं पर मसल्स में चोट लग गई, आप अगर चोट लग गई है, मसल्स की इंजरी है केवल, तो डॉक्टर लोग आपको सलाह देते हैं कि इसकी सेकाई कर लो, गर्म चीज रख के क्या कर लो, इसकी सेकाई कर लो। अब हम घर आते हैं तो हम लोगों के सेकाई का तरीका बहुत अलग अलग है, कोई नमक पानी खुलाता है उसमें कपड़ा डालता है, निकाल निकाल सेकाई चल रही है, कोई कोई क्या करता है,
तवे को गर्म कर लेता है, उसमें कपड़ा रख रख के सिकाई करता है, कोई ईटा गर्मा लिया ऐसा सिकाई कर रहा। लेकिन लेकिन अगर आप सेक भी करना चाहते हैं तो इंजरी के हिसाब से सेक भी आपका प्रॉपर होना चाहिए, सुटेबल। ऐसा थोड़ी कि थोड़ी देर का आगे बैठ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। उसके लिए मशीनें बनी हुई हैं, उसके लिए मशीनें बनाई गई, उसमें आप जानते हैं इंफ्रारेड के बल्ब लगाए गए, इंफ्रारेड के बल्ब लगाए गए। अब क्या होता है, आपको जैसे यहां हाथ की सिकाई करनी है तो एक पट्टा जैसा बना हुआ है, उसको यहां पर लपेट दिया, बांध दिया, उसको हमने ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो उसमें क्या लगे हुए हैं, इंफ्रारेड के बल्ब लगे हुए हैं, और इंफ्रारेड में थोड़ा थोड़ा इफेक्ट किसका आता है, हीट का। तो ये अंदर ही अंदर क्या करते रहते हैं, गर्म, और प्रॉपर हीट हमारे हाथ को मिलेगी और उससे सिकाई भी एक अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो आप देखते हैं, आज आप देखते हैं टेलीविजन में बहुत ऐड आता था फैट कटर, जिसके पेट में फैट है, पेट उसका बहुत मोटा है, बेल्ट देते हैं उसको और उसको बोले हमेशा बांधे रहो आप, और फिर वो जब खोलते देखो पेट में पसीना बहुत आता है, तो पेटे में अकेले पसीना कहाँ से आ जाता है, उसमें इंफ्रारेड के बल्ब लगे हुए, वो बल्ब की मदद से इंफ्रारेड निकलती है और वो हमारे उस पार्ट को क्या करती है, गर्म कर देती है। घुटने सिकाई के लिए मशीनें आती हैं, देखो बूढ़े बुजुर्ग लोगों के घुटने दर्द होते हैं तो उनके घुटनों में मशीन ऐसे पट्टा लगा देते हैं और उसके बाद मशीन ऑन कर दी गई, मशीन ऑन कर दी गई तो उसमें इंफ्रारेड के बल्ब लगे हैं, उनसे गर्माहट धीरे धीरे पहुंचती है और जो धीरे धीरे पहुंचती है वो बॉडी के अंदर मसल्स तक जाती है और अच्छी सेक देने से हमारी बॉडी ठीक हो जाती है, ये होता है। तो ये हीट रेडिएशन, इंफ्रारेड और हीट रेडिएशन, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव्स, इन्हें आप हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं आप हिंदी में, सूक्ष्म तरंगे, समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगर ये सूक्ष्म तरंगे हैं तो इनका फ्रीक्वेंसी रेंज ये है और वेवलेंथ का रेंज ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हीट रेडिएशन का क्या था, 3 × 10^13 से 3 × 10^9। अब ये 9 से शुरू नहीं हुआ, देखो ये 11 से शुरू हुआ। तो मैंने क्या बोला था शुरू में ही, कोई क्लियर कट पाला नहीं है, थोड़ा बहुत इसके अंदर से बाहर तक आ सकती है, ये कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सोर्स क्या है इनका, निर्वात नलिका में वैद्युत धारा के दोलन, अगर आप निर्वात नलिका लेते हैं और उसके अंदर वैद्युत धारा करंट को ऑसिलेट करवाते हैं, करंट के दोलन करवाते हैं ना, तो ये इसका सोर्स है, उससे क्या पैदा हो जाती है, माइक्रोवेव्स, उससे माइक्रोवेव्स बनती है। क्या करने से, निर्वात नलिका के भीतर वैद्युत धारा के दोलन से ये बनती है। इनको डिटेक्ट कौन करेगा, ट्यूनिंग सर्किट। ट्यूनिंग सर्किट याद है क्या होता है, कौन होता है ट्यूनिंग सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, अभी हाल ही में पढ़ा है, ट्यूनिंग सर्किट, सेलेक्टर सर्किट, LCR सीरीज सर्किट, सब बताया हमने आपको, ट्यूनिंग सर्किट इसको पहचान सकता है। तो ये तरंगे जब दूर से आएंगी, आप अपना ट्यूनिंग सर्किट लगाइए, ये पहचान जाएंगी, समझ में आया। PN जंक्शन भी इनको रिकॉग्नाइज कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। इनका यूज क्या है, कहां कहां पर प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग हम राडार में करते हैं, टीवी में करते हैं, और इसके माइक्रोवेव ओवन बनते हैं। देखो सुनिए ध्यान से मेरी बात, इसका बहुत इंपॉर्टेंट वेव है बेटा, ये इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा एग्जामिनेशन में, माइक्रोवेव से संबंधित दो प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जामिनेशन में। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार में क्यों करते हैं, या रडार में किस तरंगों का उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म तरंगे, तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग रडार में क्यों करते हैं। रडार होता क्या है मालूम है आपको, अच्छा रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो
डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका काम मैं बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसका काम यह होता है, रडार एक मशीन है, अगर आसमान में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमसे बहुत दूर है, या बादल वगैरह हैं, या कोहरा पड़ रहा है उसकी वजह से धुंध छाई हुई है नहीं दिखता, तो हम क्या करते हैं, यहां से तरंगों को भेजा जाता है, माइक्रोवेव हम यहां से भेजते हैं, और इनके पास इतनी एनर्जी होती है, इतनी ताकत होती है कि ये माइक्रोवेव से जाती हैं, एरोप्लेन की बॉडी से टकराती हैं, टकरा के फिर वापस लौटती हैं। तो जब वापस लौटती हैं तो हम इनको मशीन में क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। भेजा भी हम ही ने, रिसीव भी हम ही ने कर लिया। इस आधार पर मशीनें हमारी सब कंप्यूटराइज्ड हैं, सब चीज बता देती हैं। क्या क्या बता सकती हैं, आपको बता सकती हैं कि एरोप्लेन आपसे कितनी दूर है, आपको बता सकती है कि एरोप्लेन आपकी तरफ आ रहा है कि आपसे दूर जा रहा है, समझ रहे हैं। इस तरीके से इनकी मदद से हम पता लगाते रहते हैं और लगातार संपर्क में रहते हैं। यह भी जान जाएंगे अगर दुश्मन का कोई एरोप्लेन हमारी तरफ आ रहा होगा तो भी हम समझ जाएंगे। हमने जो एरोप्लेन भेजा है अगर वो कहीं लैंड करना है तो हमारा लगातार संपर्क कर सकते हैं उससे। ये सब रडार की मदद से पॉसिबल होता है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन को आप जानते हैं, सुना होगा कभी ना, या पिक्चरों में अगर आपके घर में होगा, या टेलीविजन में कभी आपने देखा हो, किचन में एक इतना बड़ा मशीन जैसी रखी रहती है और उसके भीतर उसको डब्बा खोलते हैं, उसके भीतर खाना बना लेते हैं रख के, देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको बोलते हैं माइक्रोवेव ओवन। रडार में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, रडार में इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह बहुत दूर तक बिना ऊर्जा के क्षय हुए चली जाती हैं। और देखिए अगर आप लाइट वेव्स डालते हो, लाइट वेव्स, तो ये हमेशा फैल के चलती हैं। देखो लाइट वेव्स जब भेजोगे तो इनका काम क्या है, ये फैल के चलती हैं। जब ये फैल के चलती है तो बड़ी जल्दी रास्ते में वीक हो जाती हैं और बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगी। जब बहुत दूर तक जा नहीं पाएंगी तो सिग्नल ला नहीं पाएंगी। लेकिन माइक्रोवेव्स में क्या होता है, ये फैल के नहीं चलती, ऐसा नहीं चलती, ये बिल्कुल पैरेलल चलती चली जाती हैं ऐसे। जब ये फैलगी, फैलेंगी नहीं तो बहुत दूर तक चली जाती हैं और इनकी रास्ते में ऊर्जा भी डिके नहीं होती, बहुत दूर तक जा सकती हैं और फिर सिग्नल ला सकती हैं हमारे लिए। तो माइक्रोवेव्स का इसीलिए यूज हम किसमें करते हैं, रडार में। बताओ क्यों करेंगे यूज आप, क्योंकि सूक्ष्म तरंगे बहुत दूर तक बिना प्रसारित हुए सीधे निकल जाती हैं और इसीलिए इनकी ऊर्जा रास्ते में कम नहीं पड़ती, समझ में आ गया। और अगर लाइट वेव्स डालते तो क्या होता, वो फैल के चलती हैं और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। टॉर्च में, टॉर्च आप कभी रात में जलाते हो, देखते हो तो टॉर्च की लाइट से फैल के चलती है और देखते हो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, थोड़ी दूर तक जाएगी, काम खत्म। अच्छा, और माइक्रोवेव ओवन में क्यों यूज करते हैं, तो देखो इनकी जो वेवलेंथ होती है सूक्ष्म तरंगों की, ये तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य का साइज जो है ना, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साइज के बराबर होता है। पानी के जो अणु होते हैं उसके साइज के बराबर इसका साइज होता है। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको, कि माइक्रोवेव्स का जो वेवलेंथ होती है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, उसका साइज पानी के अणुओं के साइज के बराबर होता है। अब अगर पानी के अणुओं के साइज के बराबर होगा तो क्या होगा, ये जब जाती है पानी में, अगर पड़ेंगी तो पानी के अणुओं को ये टकराती है और उसको हिला देती है, समझ आ रहे हैं आपको। अब जब ये हिला देंगी तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एनर्जी मिलने से पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। अब देखो क्या ये चीजें पानी को गर्म नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास हद से ज्यादा एनर्जी है
और हद से ज्यादा एनर्जी होना भी पानी को गर्म नहीं कर सकता। हद से कम एनर्जी अगर है तो भी पानी गर्म नहीं होगा। अब आपको ये बात हो सकता है कम समझ में आ रही हो, पर मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आपने कभी ना कभी बचपन में कैरम बोर्ड खेला होगा। अगर कैरम बोर्ड खेला है तो आप कैसे उसको खेलते थे? शुरुआत करते थे, हम उसमें गोटियों का एक ऐसा बिल्डिंग बना देते थे, गोटियों की एक बिल्डिंग बना दी हमने और फिर स्ट्राइगर से उसको मारते थे हम। आप याद करिए, जब आप स्ट्राइगर से बहुत ज्यादा तेज मार दोगे तो भी बिल्डिंग नहीं तोड़ पाओगे आप। बहुत ज्यादा तेज मार दोगे ना तो भी आप बिल्डिंग नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जब बहुत तेज मारोगे तो वो क्या करता है, स्ट्राइगर जाता है और नीचे वाली गोट पर पड़ता है और उसको निकाल देता है, बाकी बिल्डिंग फिर खड़ी की खड़ी रह जाती है। देखते हैं आप, फिर इसको मारोगे, बड़ी तेज मारा आपने, इतनी तेज मारा कि स्ट्राइगर आया और इसको बड़ी तेज ऐसे निकाल के ले गया, तो ये तो निकल गया, ऊपर की बिल्डिंग फिर वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। तो जब आप बहुत तेज मारोगे तो भी आप तोड़ नहीं सकोगे, और अगर बहुत धीमा मारा आपने, ऐसे यहां तक गया और यहीं जाके रुक गया, आप तो भी तोड़ नहीं पाओगे। आपको एक प्रॉपर फोर्स से मारना पड़ेगा, कितनी ताकत से कि वो ऐसा जाए और जाके इसको हिलाए, ना पूरा निकाल ही दे और ऐसा भी ना हो कि हिलाए ना पाए, वो जाए और आधा खिसका दे इसको, नीचे वाली गोट को कितना खिसका दे, तो जब आधा खिसकेगी तो ये बिल्डिंग डगमगाने लगेगी, फिर टूट के गिर जाएगी। तो अब आप बताइए, बहुत ज्यादा फोर्स इसको तोड़ सकता है कि बहुत कम फोर्स तोड़ सकता है? बीच वाला फोर्स तोड़ सकता है, ना बहुत ज्यादा वाला ना बहुत कम। तो ना बहुत ज्यादा एनर्जी के, ना बहुत ज्यादा एनर्जी गर्म कर सकती है पानी को, ना बहुत कम गर्म कर सकती है, बल्कि एक बीच वाली एनर्जी होगी वो पानी को गर्म कर सकती है। और माइक्रोवेव के पास उतनी ही ऊर्जा है कि ये जाती है और पानी के पार्टिकल से टकराती है, उसको हिला देती है, अपनी एनर्जी दे देती है और ये गर्म होने लगता है। तो हमने उसकी एक भट्टी बना ली, बढ़िया, उसका माइक्रोवेव ओवन बना लिया। अब उसके भीतर क्या करते हैं, खाना रखते हैं, सब्जी रखते हैं, दाल रखते हैं, और दाल रखोगे तो सूखी दाल तो रखोगे नहीं, पानी डालोगे। अब माइक्रोवेव उस पर पानी पर पड़ेंगी, पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और पानी गर्म होगा तो दाल पक जाएगी, सब्जी पक जाएगी आपके, समझ आ रहा है? तो ये हमने क्या बना लिया, माइक्रोवेव ओवन। तो बताइए, दो क्वेश्चन इसमें बने, सूक्ष्म, पहले ये बताओ रडार में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। आप बताइए, रडार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बहुत दूर तक बिना फैले समांतर चली जाती हैं, इसलिए रास्ते में इनकी ऊर्जा कम नहीं पड़ती और ये बहुत दूर तक जा सकती हैं और वापस सिग्नल भी ला सकती हैं। और हम इस लाइट का यूज क्यों नहीं करते, बाकी का विजुअल लाइट यूज कर लो, क्योंकि इसका तरीका फैल के चलने का है, ये थोड़ी दूर तक जाने नहीं, कमजोर हो जाएगी, आना तो दूर की बात, आ तो पाएगी नहीं। माइक्रोवेव्स में, माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंगों का यूज करते हैं? सूक्ष्म तरंगों का। क्यों? क्योंकि इनकी तरंगदैर्ध्य का साइज इतना होता है जितना पानी के अणुओं का साइज होता है, तो जब ये टकराती है पानी के अणुओं में तो ये उसको ऊर्जा देकर उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। अगर इससे भी फ्रीक्वेंसी कम कर दें हम, तो कौन सी वेव बन जाएंगी, रेडियो वेव्स बन जाएंगे। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी का रेंज ये रहेगा, वेवलेंथ का रेंज ये रहेगा। रेडियो वेव्स का बनती कैसे है बताने की जरूरत नहीं है ज्यादा इसमें आपको, एलसी पैरेलल सर्किट, एलसी ऑसिलेशन पढ़े हैं आपने अभी, जिसका उपयोग ट्रांसमीटर साइड में किया जाता है, उस परिपथ से हम इसको बनाते हैं। डिटेक्शन कैसे किया जाता है, ट्यूनिंग परिपथ इसका भी डिटेक्शन कर सकता है। एप्लीकेशन क्या है इसका, रेडियो संचार में और टेलीविजन में, रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविजन में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसमें हम इनका यूज करते हैं, रेडियो वेव्स का। तो टेलीविजन में जो वेव भेजी जाती हैं, रेडियो में जो वेव भेजी जाती हैं, उन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, रेडियो वेव्स का यूज किया करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉन वेव्स। इलेक्ट्रॉन वेव्स का फ्रीक्वेंसी का रेंज तो और भी कम होता है, देखो बस 60 से 50 इतना कम होता है कि इनके पास तो बहुत ही कम ऊर्जा रहती है।
इनका तरंग दैर्ध्य करें जितना हाई होता है, देखो 5 × 10⁶, 6 × 10⁶, इतना हाई वेवलेंथ का रेंज इनका रहता है। सोर्स क्या है, इनको बनाने वाला कौन है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्राप्त दुर्बल विकिरण। देखो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा, ये सब तारों में कौन सी धारा चल रही है? प्रत्यावर्ती धारा। ये जो एसी बह रही है, तो एसी का नेचर होता है बार बार समय के साथ बदलना। आप जानते हैं लगातार इससे एक वीक रेडिएशन निकलता रहता है लगातार। तो आपके घरों में जितनी भी वायरिंग है उसमें एसी फ्लो हो रही है, और अगर एसी फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एसी के वीक सिग्नल निकलते जा रहे हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से प्राप्त दुर्बल विकिरण इतना वीक होता है कि हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जहां भी एसी फ्लो हो रही है तारों में, उसके चारों तरफ ये वाली वेव्स बन ही रही हैं। पर क्योंकि हमारे पास सेंसर नहीं है तो हम समझ नहीं पाते। इसको डिटेक्शन कैसे करेंगे? इसका डिटेक्शन, क्योंकि इतनी वीक है कि इसका डिटेक्शन के लिए अभी तक हमारे पास कोई डिटेक्टर है नहीं, हम इनको पता नहीं लगा पाते। यूज क्या है? लाइटिंग में इसका यूज करते हैं, लाइटिंग में यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन वेव्स का, और इसी पर बेस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया है, प्रकाश का भी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन पुंज का यूज करते हैं और उसकी मदद से अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का काम किया करते हैं। इसकी मदद से क्या बनाया गया है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बहुत समझ आया आपको? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इसका यूज करते हैं। तो ये है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों का पूरा कंप्लीट स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी का रेंज, वेवलेंथ का रेंज, सोर्स क्या होगा, डिटेक्ट कैसे किया जाएगा और उसका यूज कहां पर होगा। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से याद करना है, इस पर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे। ओके, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लेसन में स्टडी करेंगे मोमेंटम एंड इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब संवेग और समीकरणें किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। वैसे संवेग के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टी जब पढ़ा तो पढ़ा था हमने, पर आज एक छोटा सा और देखना चाहते हैं, तो फॉर्मूला उसका क्या बनाया गया उसको देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग क्या बना था? फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? अच्छा, एक सिंपल सा फॉर्मूला बना था, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी, मेन फॉर्मूला। अच्छा बताओ, संवेग का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है कि एनर्जी अपॉन वेलोसिटी होता है? दोनों होते हैं, वेरी गुड। तो कब किसको लगाना है बताइए? मास इनटू वेलोसिटी कब लगाना है? जब हम किसी मटेरियल पार्टिकल का संवेग निकालेंगे, पदार्थ के लिए निकाल रहे होंगे, और अगर हम रेडिएशन के लिए संवेग निकाल रहे हैं तो एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। बहुत अच्छे, तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया? एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला। अब अगर ये मोमेंटम का फॉर्मूला है तो हम इसमें और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे हमारी जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें क्वांटम थ्योरी आई, जो किसने बताया? प्लांक ने। प्लांक ने बताया कि जो रेडिएशन होता है वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में ऐसे चलता है, और उसकी एनर्जी कितनी होती है? एच इंटू न्यू के बराबर होती है। तो हम चाहें तो एनर्जी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एच इंटू न्यू, जहां एच क्या चीज है? एच है प्लांक नियतांक, और न्यू क्या चीज है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी
अभी आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो वेलोसिटी होती है उसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वेलोसिटी 3×10⁻¹ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है न्यू इंटू लैम्डा। वेव्स में ये फॉर्मूला न्यू इंटू लैम्डा से मिलता है। तो एनर्जी के लिए एच न्यू और वेलोसिटी के लिए न्यू इंटू लैम्डा। न्यू से न्यू कैंसल हो गया, क्या बच गया बताओ? एच अपॉन लैम्डा। तो ये आ गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का संवेग। अब आगे से बच्चा याद रखेंगे सभी लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एच अपॉन लैम्डा। याद रहेगा सभी को? अच्छा, ये चीज समझ में नहीं आई सबको? आ गया। अभी एक काम और कर लो कि जो सिंबल्स इसमें यूज किए हैं ना हमने, उनको लिख लो कि वो क्या चीज है। जैसे सबसे पहले नोट कर लो एच क्या चीज है। यहां एच है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ये। इसकी वैल्यू मैं आपको बताऊं तो होती है 6.6×10⁻¹⁴ जूल इंटू सेकेंड। ये एच की वैल्यू हुआ करती है। कहीं कहीं आपको 6.64 भी लिखा हुआ मिलेगा, तो वो भी सही है मान। ये एच के बारे में आ गया। और हमने क्या यूज किया है? न्यू। न्यू जो ये सिंबल यूज किया है ये आवृत्ति को दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी आवृत्ति को ये शो करेगा। लैम्डा क्या चीज है? वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये आवृत्ति है और ये तरंग दैर्ध्य है। ये वेव के कैरेक्टर हैं। अगर कोई वेव है तो उसके पास आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य दोनों होंगे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के संवेग के लिए हम फॉर्मूला यूज किया करेंगे, एच अपॉन लैम्डा। अब जैसे हम आपसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों में जितने भी पार्ट हैं उनमें से किसी भी पार्ट का अगर मोमेंटम आपको निकालना है आप ये सूत्र यूज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन देखना चाहते हैं कि उनके लिए समीकरण क्या बनी हुई है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो इक्वेशंस बनी है आपको तो पता ही है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में। और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं तो दोनों की अपनी अपनी समीकरणें भी होती हैं। क्या समीकरणें होंगी वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों की? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ईएम वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगों के समीकरणों में वैद्युत क्षेत्र की समीकरण अलग पढ़ेंगे और चुंबकीय क्षेत्र की समीकरण अलग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या इक्वेशन है? आप थोड़ा सा याद करिए, जब आपको विद्युत चुंबकीय तरंगों का फॉर्मेशन बताया गया था उस समय तीन डायरेक्शंस के बारे में जिक्र किया था हमने, तीन दिशाओं के बारे में जिक्र किया गया था। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अच्छा, क्या आप एक चीज और बता सकते हो? एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश जे कैप और जेड अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? के कैप। याद आ गया आपको? अब इनमें से तीन चीजें थी विद्युत चुंबकीय तरंगों में। एक है तरंग के संचरण की दिशा, एक है वैद्युत क्षेत्र और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र। हमने जो विद्युत चुंबकीय तरंग बनाई उसमें यह लिया था एक्स अक्ष की तरफ कौन रहेगा? तरंग संचरण की दिशा,
तरंग इस दिशा में संचरित होगी, तरंग संचरण की दिशा। इधर की तरफ हमने किसको लिया हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड को, वाई एक्सिस में माना था, तो इधर की तरफ हमने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इधर की तरफ किसको लिया, मैग्नेटिक फील्ड बी को लिया हुआ था। ये बात समझ आ गई आपको, याद आया? अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन बनानी है। थोड़ा सा और देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ फिगर एक। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का याद होगा कि ग्राफ कैसा बनता है इस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आपको याद होगा साइनोसॉइडल बना हुआ था, ज्यावक्रीय। इसमें आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ई नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम, पर ये माइनस ई नॉट है, अपोजिट डायरेक्शन पे है। और बाकी यहां पर, यहां पर, यहां पर ये वैद्युत क्षेत्र की कौन सी वैल्यूज हैं, ये सब तात्क्षणिक मान है, उनके तत्कालिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं ये। तो अगर किसी समय पर यहां पर बाई चांस, इधर की तरफ हम टाइम ले सकते, किसी समय पर अगर मैं पूछूं यहां पर कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, आंसर इज नो, ये उससे कैसा है, थोड़ा कम ही है। अब अगर कम है तो कितना कम है, क्या आधा है, क्या 0.8 है, 0.9 है, 0.7 है, 0.4 है, 0.2 है, कितना है, कोई ना कोई तो होगा। जैसे हमने आपसे बोला कि ये इतने समय गुजर जाने के बाद, कितना समय गुजर जाने के बाद, मान लिया कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम है टी, टी टाइम गुजर गया, फिर यहां पर हमने आपसे पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ। अब आप भी देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर तो है नहीं, कम ही है उससे। अगर कम है तो या तो आधा होगा, आधा होगा मतलब 0.5 टाइम्स होगा, या 0.6 टाइम्स होगा, 0.7 टाइम्स होगा, ऐसा ही कुछ होगा। तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आप बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बनाने के लिए जो आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आधा होगा तो 0.5 ई नॉट लगा दोगे आप, अगर 0.8 टाइम्स होगा तो 0.8 ई नॉट लगा दोगे आप, ऐसे तो करना पड़ेगा। कहने का मतलब यूं, अगर ई के बारे में कुछ बताना है आपको तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है और उसके साथ एक नंबर गुणा में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब क्योंकि ये वेव है तो इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो वेव क्लास 11th में भी आपको पढ़ाई जाती है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी समय टी पर देखो दो चीजें यहां देखनी है, एक इतना समय भी गुजर चुका है और तरंग इतनी दूर भी तो जा चुकी है, उसी जगह तो नहीं है, तरंग कुछ दूर भी चली गई है और इतना टाइम भी बीत चुका है। इसका मतलब है, अब देखो अगर हम यहीं की बात करने लगते तो समय अलग होता, डिस्टेंस भी अलग होती और ई भी इसका अलग ही होता। तो ई का मान दो चीजों पर डिपेंड करेगा बेटा, एक तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। आप डिस्टेंस को कम ज्यादा करोगे ना तो भी ई बदल जाएगा। देखो कैसे, अभी हमने इतनी दूर लिया है तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी हम इतनी दूर ले लेंगे यहां तक डिस्टेंस ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप हमारी बात, अगर हम और दूर चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना रह जाएगा, देख रहे हैं? तो दूरी के साथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बदल रहा है, टाइम के साथ भी बदल रहा है। कैसे, अगर हमने आधा टाइम गुजार दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आधे समय के बाद कितना होगा, जीरो। अगर हम इस टाइम तक लेके आए तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर हम इस टाइम तक लेके आए इस टाइम तक तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदल रहा है ना, ये दो बातों पर डिपेंड करता है, एक डिस्टेंस पर भी और दूसरा समय पर भी, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। अब इसमें से हो सकता है कोई स्टूडेंट इतना ध्यान दे जाए, इतना ध्यान दे जाए कि इससे पहले आपने अल्टरनेटिंग करंट का लेसन पढ़ाया था,
पर उसमें तो केवल टाइम ही टाइम बताया है आपने, डिस्टेंस का तो जिक्र भी नहीं किया। याद आया कुछ आपको? उसमें क्यों नहीं बताया था कि डिस्टेंस बदलने से बदलेगा? और ये तो पहले नहीं कहा आपने। तो बउआ ये हमने इसलिए नहीं कहा, अब आप हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। जब हमने एसी का लेसन पढ़ा हुआ था उसमें हम किसका ग्राफ बनाते थे? ईएमएफ का, करंट का, इसका ग्राफ बनाते थे। और आप सोचिए उसमें जिसका भी ग्राफ बनाते थे वो ऐसा यहां से चल के यहां तक जाता नहीं था। वो अगर एक सर्किट आपका है तो उसी सर्किट में रहकर वहीं रहकर कम ज्यादा होता था। थोड़ा सा याद करिए, एसी सर्किट का अगर सर्किट में किसी जगह ईएमएफ पैदा हो रहा है दो टर्मिनल के बीच में, तो वो इन्हीं दो टर्मिनल के बीच पैदा हो रहे हैं ना, पैदा होकर ऐसा वहां तक जा तो नहीं रहा है ना। लेकिन ये क्या चीज है? विद्युत चुंबकीय तरंग। ये यहां बनती है और बन के ऐसा जाती भी है। और वहां पर हम एसी का ग्राफ बनाते थे, एसी वोल्टेज का ग्राफ बनाते थे, तो बेटा वो सिर्फ एक जगह पर क्रिएट होता था, वो चल कैसा आगे जाता नहीं था कहीं पर। तो उसमें सिर्फ समय के हिसाब से बदलाव होते थे। और विद्युत चुंबकीय तरंग न सिर्फ बनती है बन के चलती भी है आगे, इसलिए समय और दूरी दोनों के साथ चेंजेज इसमें आते हैं। कुछ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आ रही है? आया फिर से? एसी का ग्राफ, एसी वोल्टेज का ग्राफ जो बनाया आपने, वो अगर सर्किट के किसी दो टर्मिनल्स के बीच देखोगे तो वो जाता तो नहीं था ना कहीं। इन्हीं दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज कभी मैक्सिमम है, कभी जीरो है, फिर दूसरी दिशा में मैक्सिमम है, फिर जीरो है, मैक्सिमम जीरो। लेकिन ऐसा चल के ये उस दीवार तक जाता तो नहीं था। और लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में परिवर्तन भी होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चल के जाता भी है थोड़ी दूर तक। समझ आ रही बात? इसलिए यहां पर परिवर्तन दूरी और समय दोनों के साथ शो करने पड़ेंगे हमको। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी आप ध्यान से देखिए। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिखना ही पड़ेगा हमको, तो हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। उसके साथ हमको कोई नंबर लगाना पड़ेगा, तो यहां पर एक जो फ्रैक्शन लगाते हैं हम, वो लगाते हैं ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये वेव की इक्वेशन बनती है। इलेवेंथ में अगर वेव पड़ी होगी तो ऐसी इक्वेशन वहां भी पढ़ते हैं। अब देखो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करता है किस पर? दो चीजों पर, टाइम पर भी, डिस्टेंस पर भी। डिस्टेंस पर भी, टाइम पर भी डिपेंड करता है, देख रहे हैं आप। और एक चीज, ये हमने क्या बनाया है? वेक्टर। आपको किसी को याद है, किसी का अगर फुल वेक्टर बनाना होता है तो क्या किया जाता है? किसी का भी फुल वेक्टर बनाना हो तो उसके परिमाण में उसी दिशा की इकाई सदिश से गुणा कर देना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है? वाई। और वाई दिशा में इकाई सदिश क्या है? जे कैप। तो जे कैप से गुणा करा दिया और आप यहां चाहें तो यहां वाई लिख सकते हैं। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की डायरेक्शन पे है। नहीं समझ में बात आई है आपको? क्यों भाई? यहां पर एक्स क्यों आया? क्योंकि दूरी के साथ भी ई का मान बदल जाता है। टाइम आया क्योंकि समय के साथ भी ई का मान बदल जाता है। के और ओमेगा क्या है? अभी हम इनका जिक्र करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या इक्वेशन बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो होगी, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन पे है पहले तो ये बताओ हमको। देखो चित्र में, जेड एक्सिस की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू, इसके लिए क्या इक्वेशन बनानी पड़ेगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके साथ साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये तो बिल्कुल वैसा ही रहेगा, बाकी बदलाव कहां पर आएगा? अब हमें इसका फुल वेक्टर बनाना है तो जेड अक्ष की दिशा में जो इकाई सदिश होगा उसका गुणा करवाना पड़ेगा। जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश के कैप, तो हमने के कैप से मल्टीप्लाई करा दिया। ये चुंबकीय क्षेत्र की इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र का समीकरण, ये चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण।
समझ आ रहे बेटा आपको? अच्छा, इसमें जो के आया, ओमेगा आया, ये क्या चीजें हैं मैं आपको बताऊं? तो यहां पर जो के आ रहा है इसे बोला जाता है तरंग का संचरण नियतांक, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहा जाता है इसको, तरंग का संचरण नियतांक। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है 2π/λ, ये इसका फॉर्मूला होता है तरंग के संचरण नियतांक का फॉर्मूला, प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं इसे हिंदी में, नहीं सॉरी अंग्रेजी में प्रोपेगेशन कांस्टेंट, हिंदी में तरंग संचरण नियतांक, फॉर्मूला 2π/λ। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इसका मतलब ये होता है कि जब आप तरंग चलती है कोई, तो एक मीटर जब वो चलती है तो उसका कला में कितना परिवर्तन आ जाता है, एक्चुअली ये इसका मीनिंग होता है। एक मीटर चलने पर कला में जितना चेंज आ जाएगा उसी को तरंग का संचरण नियतांक कहा जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से, तरंग के द्वारा एक मीटर दूरी चलने पर उसकी कला में जितना भी परिवर्तन आ जाता है उसे हम बोलते हैं तरंग संचरण नियतांक। कैसे प्रदर्शित करेंगे? 2π/λ फॉर्मूला रहेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है 2π/T, ये इसका फॉर्मूला होता है। समझ में आ रही बात आपको? अच्छा, हम चाहे, और तरंग किस दिशा में जा रही है? एक्स अक्ष की दिशा में। तो तरंग की स्पीड कितनी होगी? स्पीड के लिए फॉर्मूला बनाया हुआ है आपने, E/B, E0/B0, ये फॉर्मूले बनाए ना आपने। ओके, आप चाहें तो तरंग के वेग का सूत्र यहां से भी बना सकते हैं। कैसे? तरंग के वेग का सूत्र बनेगा, तरंग का वेग v बराबर ओमेगा अपॉन के। अगर आप ओमेगा अपॉन के कर देंगे तो तरंग का वेग निकल के आ जाया करेगा। आप कभी भी ओमेगा अपॉन वी एक के करके देखो, ठीक है, आपको एन लैम्डा सूत्र मिल जाएगा इसी से। ये तरंग का वेग हो गया। तो इस तरीके से कुछ ये छोटे मोटे कैलकुलेशन। रही बात एनर्जी की, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं आपसे। एकांक आयतन की ऊर्जा बताई जा चुकी है आपको कितनी होती है, ठीक है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में थोड़े से कैलकुलेशन। ओके, अब आप इसे नोट कर लें और इसके, ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की बातें जो हम स्टडी करेंगे वो अब हम अगले लेसन पे आ जाएंगे, जिसमें से लाइट का चैप्टर आपका होगा, उसको स्टडी करेंगे, लेकिन अब अगली क्लास में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।